हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत लंबे समय से जानते हो, जिसे आप बहुत बार पढ़ चुके हो। जी हाँ, तो यह जो वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं। हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट इट। क्लियर हुआ? तो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास 8th में पहली बार पढ़ा होगा आपने इस चैप्टर को, क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 12th में पढ़ रहे हो। इनफैक्ट ये चैप्टर ऐसा है कि सपनों में आना चाहिए लोगों को, ठीक है? तो बेसिकली अब जब इतनी बार पढ़ रहे हैं सर, तो बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लास 12th की जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से बुक लिखी गई है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को आप इंडियन कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े उससे भी आपने यही सीखा, टर्म 1 के जो चैप्टर्स पढ़े थे। टर्म 2 में 4 चैप्टर आना, पहला ये, आगे 3 और है, सब कुछ करवा दूंगा, घबराना मत, ठीक है? तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्हीं सभी चीजों पर फोकस किया जाएगा। अगेन इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो थीम और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देखिए, हेडिंग समझ में आई आपको, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली सवाल यहीं पे ये आता है कि मिनरल्स से आपको समझ में क्या आता है, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी मिनरल्स हैं। तो सारी चीजें एक एक करके उठाते हैं। उससे पहले अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, किस तरह से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? इन सारी चीजों के बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास होती है जहां पे आप ज्वाइन करके देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस है, क्या है अनअकैडमी, ठीक है? क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ। फाइन, अब देखिए यहां पे क्या है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग मिनरल्स। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? तो मिनरल्स का मतलब बेसिकली समझे ना, तो अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट अ परफेक्ट डेफिनेशन रिटन इन द एनसीईआरटी। मिनरल क्या है? मिनरल एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों ही तरह से ओरिजिनेट होता है, जिसके जो कह सकते हैं जो लाइफ फॉर्म से बना हो, या फिर जो कह सकते हैं क्या कि इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हर मिनरल की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हर मिनरल की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हर मिनरल की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। छूने पे वो क्या रह सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई लस्टीरियस हो सकता है, ठीक है, चमक मार रहा हो, कोई डल हो सकता है। तो इस तरह से ये मिनरल कहते हैं, और ऐसे ही लाखों मिनरल्स हैं, ठीक है? ऐसे लाखों मिनरल्स हैं, समझ में आया? तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया में जैसे क्या देखोगे आप कि इंडिया इज एंडोर्ड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्री पैलाजोइक पीरियड से ही अगर आप समझोगे तो मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहां पे। और उसी कारण से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। और इंडिया में ये जो मिनरल्स हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे आप देखेंगे मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक क्या होती है? तो अलग अलग तरह का रॉक साइकिल में आपने फेजेस पढ़े हैं क्लास 11th ज्योग्राफी में, कि पहले रॉक जो रहती है तो इग्नियस रहती है, ठीक है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक होती है। तो वैसे ही क्या आप देखोगे कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक जो है पेनिनसुला इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? द वास्ट एल्यूवियल प्लेन ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवाइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज, ठीक है? इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट मिनरल्स नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पूरा का पूरा जो प्लेन है, ठीक है, नदन प्लेन जो ट्रैक है पूरा का पूरा, वो कैसे बना हुआ है, वो सेडिमेंट से बना हुआ है, वो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बना हुआ है, जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको ये देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल या फिर इकोनॉमिक यूज के मिनरल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ये मिनरल्स का एक बेसिक आइडिया समझ गए, तो आपको चैप्टर की थीम समझ में आ जाएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, क्या कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में ये समझेंगे कि किस तरह से कितने मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? तो द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन द कंट्री, दिस इज गोइंग टू बी द थीम। कहानी वही है कि आप जो मिनरल्स के बारे में पढ़ते आए ना, कि मेटालिक होते, नॉन मेटालिक, फेरस होते, नॉन फेरस होते, कुछ एनर्जी वाले होते, कुछ
एनर्जी वाले नहीं होते हैं, ठीक है, तो कहानी वही रहने वाली, बस अलग ये है कि आप थीम चैप्टर की ये कि आप इसमें अवेलेबिलिटी देखोगे, वो जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहां कौन सा मिनरल मिलता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। दीज आर दी टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर, ये सारे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स है देखो, तो कौन कौन से टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में अगेन वो आपको एक बाइफर्केशन मिलेगा कि कौन कौन से मिनरल्स है, मेटालिक नॉन मेटालिक वो सारे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या है, ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स को एक्सप्लेन कर रही है फिर, ठीक है। तो फेरस मतलब आयरन कंटेंट वाले, नॉन फेरस मतलब नॉन आयरन कंटेंट वाले, नॉन मेटालिक में जैसे माइका के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ब्रॉडली कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, ठीक है, कंट्री में कौन सा मिनरल कहां मिलता है। तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के जो जोन है, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरह से वो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के जोन आपको इस टॉपिक में जानने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप सारी चीजों को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आपके एनर्जी रिसोर्सेज में क्या पढ़ेंगे, तो एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखेंगे जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, तो ये एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है, तो अब एनर्जी सोर्सेज में क्या है, एक कन्वेंशनल है, जैसे जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे क्या होगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वैसे ही कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं, जैसे जैसे क्या देखेंगे आप, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, तो वो नॉन कन्वेंशनल में, जो कि क्या है, जो कि सेफ है, क्लीन है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सारे मिनरल्स का आपको एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, ये थीम रहने वाली है और ये टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अल्टीमेटली मिनरल्स जो है, तो ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ा दो, उन मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंजर्वेशन वाला जो एस्पेक्ट है, वो हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये पूरी कहानी होने वाली है जिसे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की थीम समझाई कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है, मिनरल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। कभी कभी क्या होता है पता है, लॉन्ग आंसर्स लिखना आसान हो जाता है, शॉर्ट आंसर में जहां टू द पॉइंट पूछ डालते हैं ना, वहां नहीं बनता है। तो उन छोटी छोटी विशेष चीजों का विशेष ध्यान रखा करो, क्लियर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। तो ये भी ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से जानते हैं कि मिनरल्स होते हैं, ये चार्ट है, इस चार्ट को देखोगे तो सारा करण अर्जुन वाले मूड पे जाके चीजें रिकॉल हो जाएगी, सब कुछ ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो वही जो टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो ये क्या है, ये है अनअकैडमी ऐप जो आपको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप पर प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, जो भी पीपीटीज रहती हैं, पीडीएफ रहते हैं, ये नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पर और भी बहुत सारे ढेरों फीचर्स होते हैं, जैसे स्पेशल क्लास होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ में, ठीक है। उसी के अलावा क्या है, उसी के अलावा क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं और मल्टीपल फीचर्स हैं जिन्हें आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है, एंड यूजिंग दिस कोड यू कैन हैव मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन विच यू आर टेकिंग एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अब अगर हम यहां बढ़े आगे तो यहां देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, छू के देखने पे कैसा लगता है वो, ठीक है। तो उन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। मिनरल्स को आप दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो दो ग्रुप्स जैसे आप देखोगे, एक होता है मेटालिक का, दूसरा होता है नॉन मेटालिक्स का, ठीक है। तो मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक क्या होते हैं, मेटालिक ऐसे सिर पे मारते तो टन से जो आवाज आती है ना, वो मेटालिक होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर धातु है, मेटल है। और नॉन मेटालिक मतलब क्या है, वो सारे मिनरल्स जिनके अंदर धातु नहीं है, जिनके अंदर मेटल नहीं है, सिंपल। अब क्या होता है ना कि मेटालिक को भी आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, नॉन मेटालिक को भी दो कैटेगरी में। जैसे यहां पे बताया गया है कि कुछ मेटालिक फेरस होते हैं, तो आयरन, ठीक है, मैंगनीज, ये क्या हो जाएंगे, फेरस की कैटेगरी में आ जाएंगे।
वैसे ही नॉन फेरस जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं तो वो होते तो मेटल हैं, लेकिन उसके अंदर लोहा नहीं होता है, जैसे सोना वगैरह हो गया, तो कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सब। इनफैक्ट क्या होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर को तो एक और कैटेगरी बना दी जाती है मेटालिक मिनरल्स की, प्रीशियस मेटल्स, उसमें डाल देते हैं प्रीशियस मेटल्स में, ठीक है। तो जैसे कॉपर, बॉक्साइट वगैरह जो है तो वो नॉन मेटालिक, नॉन फेरस मिनरल्स में आ जाते हैं, लेकिन होते सब क्या है, मेटालिक होते हैं। अब आते हैं हम नॉन मेटालिक पे, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या होते हैं, कुछ फ्यूल मिनरल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक अदर नॉन मेटालिक्स होते हैं। तो जैसे फ्यूल मिनरल्स में क्या जाएगा, कोल वगैरह, इनके अंदर कोई धातु नहीं, फेंक के मारोगे तो इतना खून वाला नहीं आएगा, ठीक है, खून वाली नहीं लगेगी मतलब आपको, ठीक। लेकिन वो क्या है, वो मेटल नहीं है लेकिन है मिनरल्स, और वो मिनरल्स कैसे, एनर्जी मिनरल्स। तो ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हम बात करें ना, तो एनर्जी वाले एस्पेक्ट में पढ़ेंगे उसे, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, क्लियर हुआ। और वैसे ही क्या होता है, एक टाइप जो है तो अदर नॉन मेटालिक्स, अदर नॉन मेटालिक्स में अब बचा कुचा जो भी है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, माइका के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे, तो वो अदर नॉन मेटालिक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। वही चीज यहां समझाई गई है कि मेटालिक मिनरल्स आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड प्रोड्यूसेस मेटल एंड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो क्या है, आयरन ओर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो अब ये सब क्या है, सब सबके सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि धातु है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, मेटल है उनके अंदर, मारेंगे तो लगेगी, ठीक है, तो वो मेटालिक मिनरल्स में आ गए। अब बोलोगे सर मारेंगे तो लगेगी, ये कैसा एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये समझने के लिए है, बाकी उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन से अगर हम देखें तो ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इनके अंदर आप जैसे देखोगे तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, छूने पे वो मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि आपके छूने से क्या हो जाएगा, छुई मुई बन जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रेंथ रहती है उसके अंदर, तो वो सारे मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। All those minerals which have iron content are ferrous. Ferrous मतलब क्या होता है ना, ferrous जैसे आप देखेंगे तो ferrous word ही अपने आप में क्या है, Latin word iron दर्शाता है, तो जिनके अंदर iron content है वो ferrous minerals, तो उसमें iron हो गया, manganese हो गया। वैसे ही क्या होगा, those which do not have iron content are non-ferrous, ठीक है, जिनके अंदर iron content नहीं होता है वो non-ferrous कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, copper हो जाएगा, bauxite हो जाएगा, gold हो जाएगा, सोने की छड़ी है देखो यहाँ, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे नॉन फेरस में जाएंगे, बाकी है दोनों मेटालिक। वैसे अगर आप नॉन मेटालिक की बात करोगे तो नॉन मेटालिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल्स आल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। और वहीं पे दूसरे टाइप के जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में, जिन्हें माइका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट कहा जाता है। यहां समझ लो ये वाला क्लासिफिकेशन सारे शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। क्या होते हैं कि कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में। ऑर्गेनिक मतलब क्या है कि वो लाइफ फॉर्म से डिराइव होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम क्या है, आप हमें, हम एक दिन क्या हो जाएंगे, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, इस मिट्टी में मिलने के बाद में क्या है, हमारा पेट्रोल बन जाएगा, ठीक है। लकड़ी के पेड़ जो है तो वो क्या बन जाएंगे, कोल बन जाएंगे। तो इस तरह से कुछ, अब वो तो मिनरल है ना, पेट्रोल, कोल, ये सब मिनरल है, तो कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स जो क्या है, ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, जो कहां से डिराइव होते हैं, बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स में फ्यूल मिनरल की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। और कुछ क्या है, अदर टाइप ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में, जैसे माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब ये आपने मेटालिक नॉन मेटालिक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ दिए, इन्हीं टाइप्स को एक एक करके टॉपिक करके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हीं टाइप्स को हम एक एक करके टॉपिक करके आगे पढ़ेंगे। बाकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो है, मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखो, तो दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स जो है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये अगर हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, तो इस पूरे देश में आपको एक ही जगह मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। फिर क्या होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहां जो मिनरल मिल रहा है जरूरी नहीं कि वो यहां हो, यहां मिलने वाला मिनरल इस मिनरल से अलग होगा, तो इस तरह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इवननेस नहीं है, एक जैसा सभी जगह मिले गारंटीड नहीं है, सारे मिनरल्स मिले ये गारंटीड नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अनइवन है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन होता है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या सीखी आपने कि मिनरल्स जो होते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरा क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, ये पॉइंट भी समझना है
कि जिस मिनरल की जो क्वालिटी होती है, जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तो उसकी क्वांटिटी उतनी ही कम होती है। मतलब ऐसा बोलता है ना, डायमंड्स आर रेयर, ठीक है, वाली कहानी है यहाँ पे, डायमंड्स आर रेयर वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन मिनरल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनकी क्वांटिटी कम होती है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जिनकी क्वांटिटी खूब होती है उनकी क्वालिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो मतलब नो डाउट इनके अंदर भी स्ट्रेंथ है, इनके अंदर भी क्वालिटी है, लेकिन गोल्ड सोना और लोहे में फर्क होता है ना, वैसे ही क्या होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। जिन मिनरल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा है उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, और जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उनमें क्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप सीखे क्या यहाँ पे, यहाँ पे आप ये मतलब फिर छोड़ो उसे, आ जाओ इधर आगे। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए समझ में। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम, ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम, मतलब क्या होता है कि सारे मिनरल्स जो है ना वो मिनरल्स एक ना एक दिन एग्जॉस्ट होना तय है। इट इज नॉट गारंटीड कि सारे मिनरल जीवन जीवन चला करेंगे, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन ही हमें ये एग्जांपल देती है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स आगे बढ़े उन्होंने नेचर से अपने लिए रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना चालू किए। अब वो अपने लिए तो एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं लेकिन दुनिया के लिए खत्म करते जा रहे हैं। तो इसी सेंस में सारे मिनरल्स जो रहते हैं तो दे आर एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल ऑन ओवर टाइम, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक दिन। फिर क्या है, दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिसयूज्ड एज दे डू नॉट हैव द सेकंड क्रॉप। ये चीज ध्यान रखना होगी कि फसल की तरह नहीं कि आज काट लिया और कल फिर उगाएगी वो। मिनरल्स को हमें सही तरीके से कंजर्व करना होगा, उन्हें प्रॉपरली यूज करना होगा, क्योंकि दे आर एग्जॉस्टेबल, वो वाला, ठीक है, दे आर एग्जॉस्टेबल, वो अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों साल लग जाते, ना तो हम रहेंगे, ना हमारे पूर्वज थे, ना हमारे आगे वाली जनरेशन होगी। हमने एक बार जो मिनरल खत्म कर दिया वो हमने खत्म कर दिया, वो शायद आगे जाके एलियन के टाइम तक फिर वापस बन पाए, ठीक है। तो वो केस रहता है, एग्जॉस्टेबल होते हैं ये, समझ में आया। सो दिस वॉज अ सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट टॉपिक, आई थिंक आपको यही के यही वीडियो में सारा याद हो गया। वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मिनरल्स को समझा, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, फ्यूल मिनरल, ये सारा सब कुछ समझ लिया। अब जो टॉपिक है ना आपके सामने वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मिनरल्स तो है देश में, ठीक है, अबेंडेंस में आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, खूब सारे हैं। अब ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेसिकली हम वही चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर हुआ थीम, समझ में आई? देखो आधा काम हमारा हो जाता है जहां हम जो टाइटल रहता है टॉपिक का उसे अगर समझ ले अच्छे से तो हमारा आधा काम समझ में आ जाता है। तो अब आपको बेसिकली मोटा माटी पिक्चर समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो किस तरह से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक शब्द में आंसर क्लियर हो सकता है, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और वो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां है, कैसा है, वो सारा सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, जहां से आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ ये रहा अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप नोट्स यहां पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस होती है जहां हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट क्लियर हो सकते हैं आपके। साथ ही साथ और भी मल्टीपल फीचर्स है जैसे क्विज, स्कॉलरशिप, एग्जाम्स, इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो मिनरल्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुला प्लेटू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे हम पढ़ते भी थे जब इंडियन ज्योग्राफी को, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, तो क्या बोलते हैं कि पेनिनसुला प्लेटू जो है, ठीक है, ये जो पेनिनसुला प्लेटू है इट इज कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि मिनरल्स से ही वेल्थ बनती है। तो इस पूरे पेनिनसुला प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स है पेनिनसुला प्लेटू की, यहां पर आपको मल्टीपल रॉक्स देखने को मिलेंगी। मल्टीपल रॉक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर इन दी वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ये पॉइंट समझो, दामोदर, ठीक है, दामोदर सोन, ठीक है, कौन कौन सी रिवर से, दामोदर सोन, महानदी, गोदावरी। तो ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का भी हम क्या कह सकते हैं, मतलब मेजर एरिया छोटा नागपुर प्लेटू में ही कवर हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा रिवर वैलीज है, इन रिवर वैलीज वाले एरिया में यहां पे जितने भी प्लेटू है, यहां पे जो भी लैंडफॉर्म है, ठीक है, इट इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट में बहुत ज्यादा यहां पे मिनरल डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंटरी बेसिंस ऑफ आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, दैट इज ऑफशोर रीजन इन द अरेबियन सी। अब क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की बात करें तो जैसे आसाम वाला जो यहां पे सेडिमेंटरी बेसिन आपको देखने को मिल रहा है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड्स ही हमने आसाम वगैरह वाला रीजन में डिस्कवर की थी। साथ ही साथ क्या है, गुजरात में जैसे आप देखोगे नहर कटिया हो गया, अंकलेश्वर हो गया, इधर आ जाओगे किधर, समुद्र में, तो आपको
ऑफशोर ऑयल बेसिन देखने को मिल जाएंगे। ऑफशोर मतलब क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर है, ठीक है, समुद्र के अंदर जहां पे ऑयल ड्रिलिंग की जाती है, तो जैसे मुंबई हाई हो गया, बेसिन हो गया, ठीक है, ये सारा। तो अब फिर क्या है, आप जैसे देखेंगे न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। अगर आप ऑयल और इनकी बात करें तो ये आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो कृष्णा रिवर का, गोदावरी रिवर का जो बेसिन है, यहां पे भी आपको मिनरल्स और ऑयल और एनर्जी मिनरल्स, मतलब एनर्जी मिनरल्स और मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, सभी तरह के मिनरल्स आपको इन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग मैंगलुरु कानपुर, ठीक है, मैंगलुरु कानपुर की अगर हम बात करें तो इधर ईस्ट, इसके ईस्ट में आपको अधिकतर क्या देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया जो है, तो नॉर्थ इंडिया और ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ऐसे डिवाइड कर दो अगर कंट्री को, तो कानपुर से ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर डिवाइड कर दो कंट्री को, तो इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है, तो अधिकतर मिनरल्स आपको इधर देखने को मिलेंगे, इधर की तरफ मिनरल्स की कमी है थोड़ी सी। कारण, तो जैसे आपको पता है कि नदन इंडिया जो है, तो नदन इंडिया में नदन प्लेन वाला जो पार्ट है, नदन प्लेन जो है वो किससे बना हुआ है, नदन प्लेन जो बेसिकली बना हुआ है सेडिमेंट डिपॉजिट्स वगैरह इन सारी चीजों से, ठीक है, तो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स है, तो उतना इकोनॉमिकली वाइबल मिनरल्स यहाँ नहीं मिलेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, समझ में आया। तो बेसिकली जो पॉइंट है, हाउ आर दी मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर कंट्री, तो मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है वो मैंने आपको समझाया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मिनरल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन थ्री ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। मिनरल्स तीन ब्रॉड बेल्ट्स में कंसेंट्रेटेड है। ये तीन ब्रॉड बेल्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मिनरल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन थ्री ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। देयर आर क्या है, देयर मे बी सम स्पोरेडिक अकरेंसेस हियर एंड देयर इन आइसोलेटेड पॉकेट्स, दीज बेल्ट्स आर गिवन बिलो। तो मिनरल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको तीन ब्रॉड बेल्ट में देखने को मिलेंगे, वो तीनों ब्रॉड बेल्ट ये लिखे हैं आपके सामने, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दी नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है। तो तीन ब्रॉड बेल्ट्स हैं, यहां पे आपको मिनरल्स देखने को बहुत आसानी से मिलेंगे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो स्पोरेडिक अकरेंस की बात कर रहे हैं कि मतलब छुटपुट में आपको कंट्री के और दूसरे दूसरे पार्ट्स में भी मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहां से शुरू करें हम, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, देखो अब आपको क्या करना है ना, हर चीज आपको विजुअलाइज करना होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। अब ये यहां चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये तो स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेटू है हमारे, छोटा नागपुर प्लेटू की जो बात कर रहे हैं वो वाला हो गया। जैसे वही बात करें साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, तो साउथ वेस्टर्न क्या हो जाएगा, साउथ में आ गए, साउथ का वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन दूसरा रीजन ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वन, ये क्या हो गया आपका टू। अब एक और पॉइंट क्या लिखा है, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ में चले गए, वेस्ट इधर चले गए, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन ब्रॉड रीजन्स है, ठीक है। इन तीन ब्रॉड रीजन्स के अलावा भी कंट्री में कहीं कहीं छुटपुट आपको स्पोरेडिक अकरेंस ऑफ, स्पोरेडिक मतलब वही होता है कि छुटपुट, ठीक है, छुटपुट आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मिनरल्स का अकरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इन पे फोकस करें एक एक करके, कहानी समझना क्या कहानी है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन की बात करें तो द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर झारखंड, ठीक है, ओडिशा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, तो इसमें क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में ये छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये वाला जो रीजन है पूरा, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स, अकरेंस ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये वाला जो रीजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज वैरायटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है, विद आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका। तो यहाँ पे आपको डाइवर्स मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्या है, माइका माइंस ऑफ बालाघाट से लगा के, ठीक है, ओडिशा झारखंड की कोल आयरन प्रोड्यूसिंग माइंस जो होगी, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मिनरल्स, ठीक है, अबेंडेंस में इस वाले रीजन में, पहले वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया, पहले वाले रीजन में आपको मल्टीपल मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, समझ में आया। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। अब नीचे की तरफ आओगे तो ये जो डेक्कन प्लेटू का साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या है, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। उतने डाइवर्स मिनरल्स नहीं है जितने पहले केस में देखे थे आपने, नॉर्थ ईस्टर्न वाले केस में जितने देखे थे ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में उतने डाइवर्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मिनरल डिपॉजिट जो है यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, कंटिन्यूस तमिलनाडु अपलैंड, ठीक है, कॉन्टिजियस तमिलनाडु अपलैंड्स एंड केरला। तो मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, महाराष्ट्र कह सकते हैं क्या, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन कहेंगे, ठीक है, कंटिजियस तमिलनाडु अपलैंड्स एंड केरला। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। फेरस और बॉक्साइट में बहुत डिपॉजिट मिल जाएंगे। फेरस में क्या जाएगा, जैसे आयरन ओर, तो अब आप आयरन ओर की बात करोगे, यहाँ पे कुद्रेमुख आयरन ओर,
ठीक है, कुद्रेमुख आयरन ओर है, फिर ऊपर चले जाओगे मारमागांव पोर्ट के पास में, गोवा वगैरह, नुआमुंडी, ठीक है। तो ये सारे मिनरल, ये सारे माइंस जो है आपको, ठीक है, विजयनगर हो गया, तो ये सारे माइनिंग एरियाज आपको इस बेल्ट में देखने को मिल जाएंगे, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन वाले बेल्ट में। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मिनरल्स एंड बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। बॉक्साइट क्ले जो रहती है तो उसको प्रोसेस करके उससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। हाई ग्रेड आयरन ओर फेरस में आ गया, ठीक है, मैंगनीज भी फेरस में आ गया, लाइमस्टोन जो है नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, लाइमस्टोन पत्थर एक तरह का। फिर क्या है, दिस बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नेवेली लिग्नाइट, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे कोल डिपॉजिट नहीं है, जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में कोल डिपॉजिट, कोल माइंस मिल रही थी ना बहुत सारी उड़ीसा में, झारखंड में, वो कोल डिपॉजिट यहां नहीं मिलेगा, सिर्फ कहां पे, तमिलनाडु में नेवेली है, ठीक है। तो नेवेली में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिग्नाइट कोल देखने को मिल जाएगा। कोल की अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिन होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या देखेंगे आप कि कोल की जो लिग्नाइट क्वालिटी का कोल होता है ना, वो आपको यहाँ तमिलनाडु के नेवेली कह सकते हैं माइंस में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ कोल नहीं मिलता इधर ज्यादा, कोल ऊपर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में। फिर क्या है, दिस बेल्ट डज नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, ठीक है। ये जो बेल्ट होता है, इस बेल्ट में उतना डाइवर्सिफाइड, मतलब आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स मिनरल्स नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया, जो आपको कहां देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम बॉक्साइट क्ले, ठीक है। अब ये मोनाजाइट और थोरियम जो है ना, तो इसी के चलते क्या है, ये एक तरह का क्या हो गया, फ्यूल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्स हो गया। तो यहां पे जैसे मोनाजाइट और थोरियम मिल जाएगा आपको केरला में कुछ क्वांटिटी में, उसके अलावा बॉक्साइट क्ले भी मिलती है जिससे एल्यूमिनियम बन जाता है। गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट। गोवा में जैसे आप देखोगे तो मारमागांव पोर्ट से बेसिकली बहुत ज्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो गोवा में आपको माइंस मिल जाएगी, किसकी, आयरन ओर माइंस की। क्लियर हुआ? फिर क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, समझना, नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ है आपका, नॉर्थ के वेस्ट में जाओगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, अब इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बारे में पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। तो दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विथ धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स, ठीक है। धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स मतलब 2-2.5 मिलियन ओल्ड रॉक, ठीक है। तो जो कह सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, तो जैसे आप क्या देखते हैं, पुराना पार्ट है ना, पुराना पार्ट भी है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप जिसे देखेंगे तो धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स से कनेक्टेड आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग अरावली इन राजस्थान, या अरावली माउंटेन हो गया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद द धारवार सिस्टम, ठीक है। तो गुजरात और यहां तक पूरा अरावली सिस्टम, ये वाला जो रीजन है, इसमें हम क्या कहेंगे, इसे हम थर्ड रीजन बना देंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बना देंगे। कॉपर जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेजर्ट एरिया में आपको कॉपर बहुत ज्यादा मिलेगा, जिंक मिलेगा, तो वही जैसे अजमेर हो गया, बेवार हो गया, खीतरी हो गया, ये सारी माइंस जो है ना, ये सारी माइंस आपको, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, जब एक एक करके नॉन मेटालिक मिनरल्स उठाएंगे हम, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स में जब नॉन फेरस मिनरल्स उठाएंगे हम, ठीक है, तो ये सबके डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे क्या है, जो तीसरा रीजन है यहाँ पे, जिंक, कॉपर, ये सारे मेजर मिनरल्स हो जाएंगे। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स, दैट इज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है। तो अब क्या होता है, राजस्थान जैसे सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये आसानी से मिल जाता है राजस्थान में, ठीक है, इसका डिपॉजिट है, तो ये नॉन मेटालिक में ये मिनरल्स मिल गए हैं, समझ में आया। फिर क्या है, जिप्सम एंड फिलर्स अर्थ डिपॉजिट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। जिप्सम की बात कर लो, फिलर्स अर्थ, ठीक है, इनकी बात कर लो, तो ये वाले मिनरल्स भी आपको इस रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको अबेंडेंस में देखने को मिल जाएंगे। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब क्या, लाइमस्टोन जो है लाइमस्टोन चूने का इस्तेमाल किया जाता है, डोलोमाइट हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंसिव, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक्सटेंसिवली फाउंड रॉ मटेरियल जो है वो आपको यहां मिल जाएगा इस रीजन में। फिर क्या है, गुजरात इज नोन फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात इज नोन फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट, जैसे अंकलेश्वर हो गया, ठीक है, अंकलेश्वर की बात कर लो आप, कालोल हो गया, तो ये जो जगह है, ठीक है, ये जगह क्या है, गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। यू मे बी नोइंग दैट गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी एक तरह का क्या है, मिनरल ही है ना, तो सॉल्ट आपको गुजरात, क्योंकि कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे गुजरात में क्या नमक बन जाएगा, देश का नमक। फिर उसके बाद में राजस्थान, आप सोच सकते हो सर राजस्थान में कहां से नमक बन जाएगा, राजस्थान में तो समुद्र भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सांबर लेक है, ध्यान आया, तो सांबर लेक क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, तो वहां से नमक बना रहा है, ठीक। तो इस तरह से सॉल्ट भी एक मिनरल है। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तीन बेसिक रीजन जो थे, तीन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रीजन जो थे, जो हमने समझे, तीनों कौन कौन से थे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन।
तीनों का मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहां कहां क्या क्या है, और डिटेल में हम आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ते चलेंगे, ठीक है, और डिटेल में आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ जो एक और पॉइंट है क्या कि कुछ स्पोरेडिक अकरेंसेस भी देखने को मिलती है मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या चुटपुट में भी मिलते हैं देश में। वो चुटपुट में कैसे मिलते हैं मिनरल्स, तो द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर लेड जिंक कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर, ठीक है। तो अगर आप जिसे यहां देखेंगे तो यहां पे क्या है कि हिमालयन बेल्ट जो है पूरा, ये हिमालयन बेल्ट जो है, तो यहां पे भी कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारे मिनरल्स, ठीक है, दे अकर बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न हिमालयाज में भी जैसे आप चले जाओगे तो भी आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, वेस्टर्न हिमालयाज में भी मिल जाएंगे, ठीक है। असम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स। अब जैसे मैंने असम का बताया आपको क्या कि कंट्री की जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड्स हैं, दिग्बोई जिसका नाम है, ठीक है, वो दिग्बोई आपको कहां मिलेगी, असम में मिलेगी, ठीक है, दिग्बोई आपको असम में मिलेगी। आई गेस नहरकटिया असम में है, अंकलेश्वर कालोल वगैरह जो है वो गुजरात में है, नहरकटिया शायद यहीं पर असम में है, आई एम नॉट एक्जैक्ट अबाउट इट, एक्जैक्टली श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो जैसे दिग्बोई का तो ओल्डेस्ट फील्ड में है, दिग्बोई जो है कंट्री की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो है वो असम में मिल जाएगी आपको, ठीक। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बिसाइड्स ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफशोर एरियाज नियर मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई बेसिन वगैरह, तो यहां पे भी आपको ऑयल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस वेयर इन वेयर मिनरल्स अकर इन स्पोरेडिक, ठीक है, स्पोरेडिक मतलब क्या होता है कि चुटपुट चुटपुट में, क्लियर हुआ, ऐसे फैले हुए एक जगह कंसेंट्रेटेड नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल के बारे में। What do you understand by ferrous minerals? तो जो सारे minerals जिनके अंदर क्या होता है, लोहा होता है, iron content होता है, वो ferrous minerals कहलाते हैं। Very simple, very straight, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको distribution बता दिया, types of minerals बता दिया, minerals के ऊपर basic introduction देख लिया, तो I hope chapter easy going है, smooth है, आपको सारी चीजें समझ में आते जा रही है। ferrous minerals के बारे में specifically ये पढ़ेंगे कि कहां कहां पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं, जो आप मैप को लेकर चिंतित हो ना कि मैप का क्या करना है सर, तो मैं आपको एक समाधान देता हूं उस चीज का, कि बाबू मैप के बारे में ज्यादा सोचना समझना मत, ठीक है, मैप के बारे में ज्यादा चिंता मत करना। मैप पे मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें हम पूरा टर्म टू का जो मैप वर्क है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो बेफिक्र रहना, बेफिक्र रहना। चलिए फेरस मिनरल्स की बात करें, तो फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा provides a strong base for छुपे उधर जॉब, ठीक है, for the development of metallurgical industries, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, strong base for the development of metallurgical industries, मतलब वो सारी industries जो metal से deal करती है ना, उन सभी industries के strong base के लिए क्या है, ferrous minerals एक important role play करती है, क्योंकि iron becomes the strength, ठीक है, iron gives the strength to all those base industries। समझ में आई, our country is well placed in respect of Our country is well placed in respect of ferrous minerals, both in reserves and production. अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे अपने प्यारे देश की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में खूब तो रिजर्व है ferrous minerals का, मतलब आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट, इन सारी चीजों का खूब रिजर्व है। साथ ही साथ हम प्रोड्यूस भी खूब करते हैं, तो इस तरह से वी आर अ ferrous mineral रिच कंट्री, ठीक है, वी आर अ ferrous mineral रिच कंट्री। तो दीज आर सम ऑफ द ferrous minerals, जैसे बताया मैंने आयरन ओर हो गया, आयरन ओर से क्या निकलेगा, ये बोल रहे हो सर मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला नहीं है ये, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर ये अगर आप देखते हैं ये चीज क्या है, ये ओर है, इस ओर से आप क्या करेंगे, कोर मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर से कोर, ठीक है। तो ओर से कोर तक की कहानी माइनिंग के थ्रू, माइनिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। वैसे ही क्या होता है, आयरन ओर से आयरन, मैंगनीज जो है तो मैंगनीज के अंदर आयरन कंटेंट रहता है, स्टील के साथ मिक्स किया जाता है, अलॉय बनाने, मतलब स्टील बनाने के लिए अलॉय की तरह यूज किया जाता है। क्रोमाइट एक मिनरल होता है, सही फेरस, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स होते हैं। अब अगर बात की जाए आयरन ओर की, क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन इंडिया में, तो वो मैं आपको यहां से सब्सिक्वेंटली एक एक करके समझाते चलूंगा। यहां तक चीज समझ में आई है, इंपॉर्टेंट अपडेट अभी ये ले लो कि ये जो आपको लिंक दिख रही है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहां पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो स्पेशल क्लास होती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पोल्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं अनअकैडमी ऐप पर, स्पेशल क्लास होती है जहां आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJAY दिगराज, क्लियर हुआ। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, तो अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या आयरन ओर इन इंडिया, तो इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया जो है, तो इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व
ऑफ आयरन ओर इन एशिया। ठीक है, एशिया की अगर पूरी बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, आयरन ओर रिजर्व्स हैं। टू मेन टाइप ऑफ आयरन ओर फाउंड, ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ आयरन ओर की बात कर रहे हैं, ओर फाउंड इन इंडिया आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। अब देखो क्या है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो अलग अलग तरह के क्या है, आयरन ओर है, आयरन ओर है, एक में आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, एक में कम रहता है। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट इस तरह के दो अलग अलग तरह के आयरन ओर के टाइप है। ठीक है, इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटाइट की मैग्नेटिक क्वालिटी बहुत तेज रहती है, आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो आयरन ओर इंडिया में मिलता है, जो अबंडेंस में है इंडिया में, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। द आयरन ओर माइंस अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ द कंट्री व्हिच एड्स टू देयर एडवांटेज। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया है कि आप आयरन ओर माइन के साथ में एक मजेदार चीज ये है, किधर गया, हाँ, कि आयरन ओर माइन जो है ना, तो अधिकतर आयरन ओर माइन हमारी किधर है पता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट देखा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में अधिकतर आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब यहां होने का फायदा यह है कि चलो भाई आयरन एक्सट्रैक्ट करो, डब्बे में डालो, ठीक है, ट्रक अपना पहुंचा दो कहां तक, कोस्टल एरिया विशाखापट्टनम पैराद्वीप, ये पोर्ट से, और इधर से पहुंचा दो किधर, जापान वेपैन, जिधर भी ले जाना है उधर ले जाओ। तो उस तरह से क्या है, ये हमें एडेड एडवांटेज देता है, ये प्रॉक्सिमिटी जो है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्टल एरिया, दिस गिव्स एन एडेड एडवांटेज फॉर द आयरन ओर माइंस एंड आयरन ओर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। क्लियर हुआ? चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉपिक पे वापस अगर हम नजर दौड़ाएं एक बार हमारी, तो यहां पे कहानी ऐसी कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि हाउ इज द आयरन ओर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आयरन ओर रिसोर्सेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो इस तरह से कि अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये चीज ध्यान रखो क्या है, यहां पे आप देखेंगे तो ये सारे जो स्टेट्स का नाम बताया मैंने, ये रहे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ओडिशा से चालू करो, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, फाइन, झारखंड हो गया, उसके बाद में तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये जो एक ऐसा बेल्ट आपको देखने को मिलता है, ये जो इस तरह का बेल्ट देखने को मिलता है, इस बेल्ट में आप क्या देखेंगे, पूरे आयरन ओर कंसंट्रेटेड है अलग अलग एरियाज में। तो अब ये इंडेक्स मैप का मैं वही कह रहा हूं आपको कि मैप में ज्यादा अभी सिर मत लड़ाना, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट, जैसे बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, टुमकुर, ये सब माइंस पे आएंगी आपको, ठीक है, माइंस प्लॉट करने पाएंगे, तो वो मैं अच्छे से प्लॉट करवा दूंगा। चैप्टर में मैं समझाते चल रहा हूं, बस एक स्पेसिफिक वीडियो बना के मैप प्लॉट करवा दूंगा अलग से, ठीक है, मैप प्लॉट करवा दूंगा अलग से। चलो तो यहां पे जैसे हम देखें, अबाउट 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, इन ओडिशा किधर गया, हाँ, इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। ठीक है, ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में क्या है, कौन कौन सी माइंस है, तो सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, झार हो गया। ठीक, द इंपॉर्टेंट माइंस आर, अगर इंपॉर्टेंट माइनिंग साइट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, गौर, महिषनी, सुलाईपत बादामपार मयूरभंज में है जो, ठीक है, बादामपार, किरीबुरू, ठीक है, किरीबुरू केंदुजुरा में है, फिर उसके बाद में बोनाई जो है सुंदरगढ़ में है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये जो नाम है, अब आंसर लिखने में अगर आता है तो इनफैक्ट पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो आप उसमें बता सकते हैं क्या कि इन इन स्टेट्स में इंपॉर्टेंट एक एक दो दो माइंस के नाम ध्यान रखना होगा। आई नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन नाम कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेंगे आपको, और स्पेसिफिकली जो मैप पे आएगा वो मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, सिमिलर हिल रेंजेस इन झारखंड, जैसे झारखंड की अगर बात करें तो ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे क्या है, झारखंड में ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस में जैसे आप देखेंगे जमशेदपुर वगैरह जो प्लांट एस्टैब्लिश किए थे, तो वो वहीं की जो पुरानी माइंस थी वहां से आसपास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो जैसे क्या हो जाएगा, नोआमुंडी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा नहीं गोवा, ठीक है, नोआमुंडी, गोवा आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है आयरन ओर माइन के लिए। ठीक है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, मयूरभंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग साइट से ओडिशा और झारखंड में रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? तो मयूरभंज और सिंहभूम ये दो ध्यान रख सकते हो, सिंपल। ठीक है, फिर क्या है, दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड्स टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलादिला। अब क्या है, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलादिला, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे आप जैसे देखेंगे तो ये मयूरभंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये लगा हुआ है पूरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला, फिर इसी से लगा हुआ एक जो बेल्ट देखोगे तो क्या है,
दुर्ग हो गया, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा नक्सलिज्म के लिए जाना जाता है, मतलब ऐसे ठीक है वहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना वो, तो आप जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे ये जो बेल्ट इसी से लगा हुआ, तो दुर्ग हो गया, चंद्रपुर हो गया, बेलादिला हो गया, ये वाला एरिया जो है ठीक है, ये वाला एरिया भी अगेन क्या है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहुंच गए आप, ठीक है छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, उसी के बाद में क्या है, दिल्ली एंड राजहरा एंड दुर्ग आर दी इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन कंट्री, ठीक है तो राजहरा, दुर्ग, दिल्ली ये सब कहां पे, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है तो ये दुर्ग हो गया आपका, राजहरा, दिल्ली, ये सारा पूरा बेल्ट जो है इंपॉर्टेंट माइंस जो है किस रीजन में मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगर, तो आयरन और रिसोर्सेज जैसे कर्नाटका में पहुंच गए आप, कर्नाटका किधर, तो ये बेल्ट से लगा हुआ अगला आपका कर्नाटका है, तो बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चिकलूर हो गया, टुमकुर हो गया, तो ये सारी माइंस जो है ये आपको कर्नाटका में मिलेगी। तो इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट अकर्स इन संदूर होस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स ऑफ एंड कुद्रेमुख इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है एंड पार्ट्स ऑफ शिवमोगा, चित्रदुर्गा एंड टुमकुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट हो गया, चिकमंगलूर हो गया, टुमकुर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो कर्नाटका की कहानी आपने पढ़ ली, कुद्रेमुख माइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुद्रेमुख माइंस जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है तो वहां से क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो गोवा हैज ऑल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। उसके पहले अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, जैसे चंद्रपुर हो गया, ठीक है भंडारा हो गया, रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में क्या है, करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कुरनूल हो गया, ठीक है कुडप हो गया, फिर उसके बाद में क्या, अनंतपुर हो गया, ये सारे आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सलीम एंड नीलगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो मेजर एरिया जो है ना, मेजर एरिया जैसे यहाँ पे आप बात करें हम, तो 95% जो है वो किस बेल्ट से आ रहा है, 95 जो है ये इस बेल्ट से आता है, ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको 95% आयरन ओर हमारा इस बेल्ट से आता है। उसके अलावा जैसे सलीम में आयरन ओर माइंस है, ठीक है सलीम हो गया, तो तमिलनाडु में भी आपको इस तरह से क्या देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हल्का सा देखने को मिल जाएगा। तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, सलीम हो गया, ये तमिलनाडु वगैरह में भी आयरन ओर माइंस मिल जाएंगे, लेकिन उस क्वालिटी का यहाँ पे आयरन ओर नहीं मिलेगा, जैसे नेवेली का कोल के कंटेक्स्ट में मैंने बताया था ना कि क्या है, लिग्नाइट वाला कोल वहां मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये रहे, गोवा हैज ऑल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो गोवा में जो पोर्ट है मारमागांव पोर्ट, वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर हुआ? तो फेरस मिनरल में एक आपने आयरन ओर पढ़ लिया, दूसरा क्या है, दूसरा है मैंगनीज इन इंडिया। दूसरा अगर मैंगनीज की बात करें हम, तो मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ओर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज, जैसे स्टील वगैरह बनाया जाता है ना, फेरो अलॉयज मतलब क्या है कि वो कह सकते हैं अलॉय जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, तो वहां मैंगनीज मिलाया जाता है स्टील के प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट जैसे आप देखेंगे ब्लास्ट फर्नेसेस में लाइमस्टोन, मैंगनीज, ठीक है और ये कह सकते हैं आयरन ओर, इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए। क्लियर हुआ? मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवार सिस्टम। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे तो 2-2.5 मिलियन ईयर ओल्ड वाला जो सिस्टम है धारवार रॉक सिस्टम जो है, उसमें ज्यादा मैंगनीज डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहां आयरन ओर माइंस है ना, उसी बेल्ट में लगभग वही ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है कर्नाटका, उस बेल्ट में स्पेसिफिकली जैसे मध्य प्रदेश वगैरह की भी बात करोगे तो वहां पे भी आपको बालाघाट माइंस वगैरह जो है वहां पे ये मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन बोनाई, केंदुजार, ठीक है केंदुजार, सुंदरगढ़, गंगपुर, ठीक है गंगपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, ठीक है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज वेरी वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज एंड बॉक्साइट, अभी आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, कालाहांडी एंड बोलांगीर, तो ये जो है, ये जो आपको मतलब कह सकते हैं साइट्स के नाम बताए गए, ये जो जगह बताई गई, तो यहाँ पे आपको मैंगनीज का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? ये ओडिशा वाला हो गया, ओडिशा छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ओडिशा झारखंड वाला रीजन हो गया। अब जैसे आगे बढ़ते नीचे तो कर्नाटका इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एंड हियर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवार बेलारी, ठीक है धारवार बेलारी, बेलागवी, ठीक है बेलागवी, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्गा, शिवमोगा के जैसे वो आते हैं ना, शिवमोगा क्या फायरवर्क्स के लिए जाना जाता है, पटाखे बनते हैं वहां पे, ठीक है तो चित्रदुर्गा एंड टुमकुर। तो जहां आपको आयरन ओर माइंस दिख रही है उसी के पास में आपको मैंगनीज माइंस भी देखने को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज विच इज माइंड इन नागपुर, ठीक है नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र का हो गया। The disadvantage of these mines is that they are located far from the steel plants. एक डिसएडवांटेज ये है, ये डिसएडवांटेज कैसे और वो मैं समझा देता हूं आपको। क्या है ना कि मैंगनीज को मैंने बताया आपको कि फेरोलाइज जैसे स्टील वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में। अब क्या होता है अगर ये स्टील प्लांट से दूर है तो
माइन से स्टील प्लांट तक तो ले जाना पड़ेगा, खुतुरे भाग के चले जाएंगे, ये जो मैंगनीज होगा ये खुतुरे भाग के चले जाएगा, तो ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करता है, महंगा कर देता है स्टील के रेट को, स्टील को महंगा कर देता है। तो एक डिसएडवांटेज ये कि जहां मैंगनीज मिल रहा है ना वहीं आयरन एंड स्टील प्लांट होना चाहिए, तो वो कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखोगे तो मैंगनीज आपको मध्य प्रदेश के बेल्ट में भी मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे स्टार लगा हुआ ना, बालाघाट हो गया, नागपुर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये जो सुंदर घर की अगर बात कर लो आप, तो केंदुजेरा में भी, केंदुजार में भी मिल जाएगा आपको, ठीक, शिवमोगा में जैसे आप ये मैंगनीज देख लोगे। तो ये मैप जो इस मैप की मदद से काफी हेल्प, मतलब इस मैप के थ्रू काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो उस मैप को रेफर जरूर करना, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में और बता दूंगा। तो द मैंगनीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश एक्सटेंड्स इन द बेल्ट इन बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एकदम जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके, वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। फेरस मिनरल्स जो होते हैं तो वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। आयरन कंटेंट नहीं होता लेकिन वो मेटल होता है, तो मेटालिक मिनरल है लेकिन नॉन फेरस है। अब कहानी समझ में आ गई कि वो सारे मेटालिक मिनरल्स जिनके अंदर लोहा नहीं है, मारोगे तो टन से आवाज तो उसमें भी आएगी, लेकिन वो क्या है, वो आयरन वाला लोहा, मतलब आयरन वाला मेटल नहीं है ऐसा, ठीक है, आयरन वाला मेटल नहीं है। तो वो कौन सा मेटल है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्लियर हुआ? देखिए तो नॉन फेरस मिनरल्स मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं। अब अगर बात की जाए तो शुरुआत में हमारी पिक्चर यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाती है कि इंडिया इज पुअरली एंडोव्ड विद द नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट को छोड़ के जो दूसरे नॉन मेटालिक या फिर नॉन फेरस मिनरल्स हैं, तो इंडिया में वो दूसरे नॉन फेरस मिनरल्स नहीं मिलते हैं। खत्म, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो इंडिया इज पुअरली एंडोव्ड विद नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, अभी स्लाइडर आ गया। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। उन ढेरों फीचर्स में ऐसा होता है जैसे आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विज होता है, अपने डाउट पूछ सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएंगे। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज द कोड DIGRAJ Digraj and explore all these features on Unacademy app. Clear हुआ? चलिए, तो यहाँ पे आप जिस देखेंगे तो इंडिया इज पुअरली एंडोव्ड विथ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक नॉन मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल लेकिन नॉन फेरस मिनरल है। कैसे? तो बॉक्साइट से क्या मिलता है, आप सोचो सर बॉक्साइट कौन सा मेटल होता है, एल्यूमिनियम तो सुना होगा ना आपने। तो ये बॉक्साइट क्ले से निकाला जाता है, एल्यूमिना से निकाला जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से एल्यूमिनियम हमें कहां से मिलता है, बॉक्साइट से। और एल्यूमिनियम के अंदर लोहा नहीं है लेकिन वो मेटल है, तो एक मेटालिक नॉन फेरस मिनरल क्या हो गया, मिनरल जो है वो क्या, बॉक्साइट है। बॉक्साइट से आपको कौन सा मेटल मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। वैसे एक और देखोगे तो कॉपर भी एक नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में आता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब नॉन फेरस में आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली इन्हें लिया जा रहा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये क्या है, ये प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, मतलब ऐसे किलो से नहीं बिकते हैं, कुंटलों से नहीं बिकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर हो गया, तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं जरा। जैसे देखिए व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, तो बॉक्साइट इज द ओर व्हिच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। आप बोलोगे हाँ बता दिया आपने, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपॉजिट्स एंड इज एसोसिएटेड विद लैटराइट रॉक्स अकरिंग एक्सटेंसिवली आइदर ऑन द प्लेटू और हिल रेंज ऑफ पेनिनसुला इंडिया एंड ऑल्सो इन द कोस्टल ट्रैक्स ऑफ द कंट्री। जहां लेटराइट सॉइल मिलती है ना वहां आपको ये बॉक्साइट क्ले मिलेगी। बॉक्साइट क्ले क्या होती है, देखो ये फोटो देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्या है कि इसकी घिसाई बहुत हुई है, दिख रहा है घिसाई कैसे, तो लेटराइट सॉइल में आपको पता है एक्सटेंसिव रेनफॉल के कारण क्या होता है और एक्सटेंसिव टेम्परेचर के कारण ह्यूमस सब बह जाता है, सिर्फ रफ एंड टफ पार्ट रह जाता है। और ये रफ एंड टफ पार्ट जो रहता है इसे बॉक्साइट क्ले कहा जाता है। इस बॉक्साइट क्ले को आप मोस्ट ऑफ द टाइम लेटराइट रॉक्स में देखने को मिलेंगे एक्सटेंसिवली आपको प्लेटू रीजन में, कोस्टल रीजन में, ठीक है। और इस कह सकते हैं बॉक्साइट डिपॉजिट से आपको एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम, तो मैं आपको वही अगेन फिर से दोहरा रहा हूं जो पिछले वीडियो में दोहराया था कि मैप वर्क सारा करवा दूंगा, अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते चलो। तो ऐसा है कि अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। ओडिशा में अगर आप आओगे तो आपको ओडिशा में, जैसे अगर आप ये देखेंगे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ना ओडिशा का, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको ये जो माइंस मिलेगी, कालाहांडी हो गया, संबलपुर हो गया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। द अदर टू एरियाज विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर
ठीक है, बोलनगिरी एंड कोरापुट। तो ये क्या कह सकते हैं आप, ये लीडिंग प्रोड्यूसर में बोलनगिरी हो गया, कोरापुट हो गया, ठीक है, कालाहांडी हो गया, संबलपुर हो गया, ये आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको बॉक्साइट प्रोडक्शन ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। दी पैटलैंड्स ऑफ लोहार, ठीक है, लोहार दागा इन झारखंड हैव रिच डिपॉजिट्स, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर दी अदर मेजर प्रोड्यूसर्स। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहां पे, इधर आ जाते हैं हम, तो क्या है गुजरात, ठीक है, तो गुजरात में आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपको बॉक्साइट का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, बिलासपुर कटनी वगैरह, ठीक है, बिलासपुर कटनी बेल्ट जो है ना, तो बिलासपुर कटनी ट्रेन भी चलती है, और बिलासपुर कटनी जैसा मध्य प्रदेश का देखोगे तो कटनी में क्या है आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। अमरकंटक प्लेटू, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा क्या कि प्लेटू रीजन जो है, तो बॉक्साइट इज मेनली फाउंड, बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपॉजिट एंड एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स अकरिंग एक्सटेंसिवली आइदर ऑन दी प्लेटू और इन हिल्स, ठीक है। तो जैसे अमरकंटक प्लेटू एक, वहां पे आपको बॉक्साइट डिपॉजिट मिल जाएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बॉक्साइट का, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जैसे देखोगे तो भावनगर, जामनगर इन गुजरात है अदर मेजर डिपॉजिट्स। जो जो इंपॉर्टेंट मैप वर्क है जो सीबीएसई देती है वो मैं करवा दूंगा, अभी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो बस। गुजरात में हो गया, छत्तीसगढ़ हैज बॉक्साइट डिपॉजिट इन अमरकंटक प्लेटू, वाइल कटनी जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन मध्य प्रदेश हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट और आपको देखने को मिल गए कहां पे, तो ये आपने पूरा देख लिया क्या, छत्तीसगढ़ अमरकंटक मध्य प्रदेश वाला जो पूरा रीजन है वहां पे। फिर उसके बाद क्या है, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ कहां पे, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, ठीक है, पुणे, कोल्हापुर, ये सब महाराष्ट्र में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हो गए। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। उसी के बाद में अगर माइनर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो तमिलनाडु वगैरह में भी आपको, गोवा वगैरह में भी कम कम क्वांटिटी में बॉक्साइट मिल जाएगा, कम कम क्वांटिटी में बॉक्साइट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉपर की, तो नॉन फेरस मिनरल्स की अगर बात करें तो एक बॉक्साइट हो गया, दूसरा कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर इंडिया में कैसे क्या स्थिति है, देखो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मिलावट करके ज्वेलरी में मिला के दे देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, वायर्स वगैरह जो ना, कॉपर वायर्स मोस्ट सुटेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो उस कारण से क्या है, कॉपर की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। तो कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स, ठीक है। तो कॉपर, इन सारे पर्पस के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। किन सारे पर्पस के लिए, कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में आप वायर बना लो, इलेक्ट्रिक मोटर्स बना लो, ट्रांसफॉर्मर्स बना लो, जनरेटर वगैरह में आप जैसे देखा होगा पंखे वगैरह में पूरा कॉपर की वायरिंग रहती है अंदर, ठीक है। तो इस सेंस में कॉपर एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मेटल होता है, एक इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल होता है, ठीक है। इट इज अलॉयबल, ठीक है, मिक्सिंग कर देते हैं, अलॉय बना सकते हो उससे। मिलेबल है, डक्टाइल है, शीट बना दोगे फूट फूट के, इस तरह से क्या उसकी शीट बन जाती है, पतले पतले तार बन जाते हैं, डक्टाइल है, मिलेबल है उसी सेंस में, ठीक है। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। आपने सुना होगा ना 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, तो ऐसे बोर्ड लगाते बड़ा सा 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट का सोना, ठीक है। तो वो 24 कैरेट बहुत लचीला होता है, उंगलियों से मुड़ जाता है, उसको हल्की सी स्ट्रेंथ देने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर के अलावा जैसे देखोगे तो ब्रास जो होता है, ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से क्या है कि गोल्ड को थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए कॉपर और इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लालिमा आ जाती है सोने पर हल्की सी, उसको कॉपर मिला देते हैं, तो ये कॉपर की स्थिति हो गई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझे तो देखो, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप पढ़ते हो तो ध्यान रखना कि जो डेजर्ट एरिया रहता है वहां पे कॉपर बहुत मिलता है। इंडिया में वैसे आप देखोगे तो कॉपर का प्रोडक्शन कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो अटाकामा डेजर्ट में जो माइंस वगैरह है वहां कॉपर निकलता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया। तो इंडिया में भी कहां है, वही राजस्थान वगैरह वाला जो एरिया होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हो गया, ठीक है, जहां सूखी वाली स्थिति रहती है थोड़ी सी, वहां कॉपर मिल जाता है। तो कॉपर डिपॉजिट मेनली अकर्स इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश में कॉपर मिल जाता है। फिर क्या है, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया कॉपर का भारत के अंदर, ठीक है। माइनर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर आर, ठीक है, अग्निगुंडाला, ठीक है, अग्निगुंडाला इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, चित्रदुर्गा एंड हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, एंड साउथ एरकोट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो ये माइनर प्रोड्यूसर से, बाकी मेजर प्रोड्यूसर देखोगे तो राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, झुंझुनू हो गया, ठीक है, तो झुंझुनू हो गया, अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और माइनर प्रोड्यूसर्स में आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे चित्रदुर्गा हो गया, हसन हो गया, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट हो गया और साउथ एरकोट डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्लियर हुआ? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन
मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स पढ़े आपने, मेटालिक में फेरस नॉन फेरस दोनों पढ़ लिया। अब हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, ये जो एक कदम हम आगे बढ़े तो इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मतलब क्या कि जिनके अंदर मेटल नहीं होता है, सिंपल सी चीज, मेटल नहीं होता है मतलब क्या है, पत्थर जो है, पत्थर भी क्या है एक तरह का मिनरल, जैसे लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, तो ये सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, क्या देख रहे हो आप कि इनका एक डेफिनेट केमिकल फिजिकल कंपोजिशन है जो नेचर में आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं वो सारे सारे मिनरल्स हैं। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक क्वालिटी नहीं होती, वो टन से आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट है मिनरल्स वाला वो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद में, फिर एनर्जी रिसोर्सेज बचेंगे बस। तो फिर सारे एनर्जी रिसोर्सेज में भी दो टॉपिक हैं आपके बड़े बड़े, ठीक है, एक में कन्वेंशनल एक में नॉन कन्वेंशनल, उस तरह से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है तो इसी सेंस में। ठीक, अब अगर बात करें किस चीज की, नॉन मेटालिक मिनरल्स की, तो अमंग दी नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, अमंग दी नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, माइका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नॉन मेटालिक मिनरल बहुत सारे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट वगैरह जो पत्थर होते हैं, ये भी क्या है, सब मिनरल है, नॉन मेटालिक है। लेकिन ये सारे मिनरल्स के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो माइका जो होता है ना, माइका क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल यूजेस होते हैं तो उस कंटेक्स्ट में माइका क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अदर मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजम्पशन आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फोस्फेट। ठीक है, तो ये भी सारे क्या है, मिनरल्स हैं जो कि नॉन मेटालिक है। क्लियर हुआ, डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन जैसे आप देखेंगे तो चूना पत्थर जो जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो माइका यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर माइका की बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसके क्या यूजेस है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंसुलेटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी स्प्लिट इंटू वेरी थिन शीट्स। ठीक है, माइका को आप क्या है, कूट कूट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मेटालिक नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है, फ्लेक्सीबल होता है और टफ है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि टफ है। माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। सो दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, जिसका नाम पहले लिखा जाता है। ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, कि जब इस तरह से वो लिखा रहता है ना नाम, कि दीज आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स, तो जहां से स्टार्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स बहुत सारे स्टेट है लेकिन उन सब में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, जिसका नाम पहले लिखा जाता है, तो झारखंड इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना। तो माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ, तो झारखंड ये, यहां पे झारखंड ध्यान रखना। फिर क्या है, इन झारखंड हाई क्वालिटी माइका इज ऑब्टेन्ड इन अ बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड अबाउट 22 किलोमीटर इन विड्थ। तो अगर झारखंड की बात करें हम, तो झारखंड में एक बड़े रीजन में आपको माइका जो है, माइका का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा झारखंड। मैप की चिंता मत करना, मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, मैप में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें हम पूरा टर्म टू का मैप कर लेंगे। ठीक है, इस बुक से मैप आने वाला आपका। तो इन झारखंड हाई क्वालिटी माइका इज ऑब्टेन इन अ बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड अबाउट 22 किलोमीटर इन विड्थ इन द लोअर हजारीबाग प्लेटू। ठीक है, लोअर हजारीबाग प्लेटू। आंध्र प्रदेश में आओगे तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी माइका। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 320 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू भिलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर। राजस्थान में भी आपको माइका डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ माइका डिपॉजिट्स आल्सो अकर इन मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, कोयम्बटोर, ठीक है, त्रिचुपल्ली, मदुराई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के ये एरियाज हो गए। ठीक है, उसके बाद में जैसे केरला में भी माइका मिल जाएगा। तो माइका क्या है, अबेंडेंटली फाउंड आपको मिनरल की तरह देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट क्या होता है, हम बहुत ज्यादा माइका एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एलएपी इन केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, ठीक है, पुरुलिया एंड बांकुरा इन वेस्ट बंगाल, पुरुलिया एंड बांकुरा इन वेस्ट बंगाल। तो दिस These are the regions where the mica is distributed. ठीक है, तो mica uses and distribution समझ में आया, तो किस तरह से कहां कहां distributed है mica? वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे energy resources के बारे में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर का एक पार्ट जो है मिनरल्स वाला जो रिसोर्सेज है, तो मिनरल रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज दो एस्पेक्ट पे चैप्टर है। तो एनर्जी रिसोर्सेज से आपको बेसिकली समझ में क्या आता है कि एनर्जी रिसोर्सेज, जहां वो सारे रिसोर्सेज जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। खा लेते हैं क्या सर, एनर्जी मिल जाती है? नहीं, मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ईंधन की व्यवस्था होती है हमारी, वो हम करते हैं। तो एनर्जी आपको कन्वेंशनल सोर्सेज से भी मिलती है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स से भी मिलती है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों पढ़ना है आपको।
इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कन्वेंशनल पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको आगे सारी चीजें समझाते चलूंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, ठीक है, सोशल स्कूल वाला जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, ठीक है, तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस वगैरह सारी चीजों की अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्पेशल क्लास होती है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन, ये सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है, कन्वेंशनल पहले पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो पुराने समय से पुराने तरीके से चला आ रहा है कन्वेंशनल, ठीक है, बोलते ना दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो कन्वेंशनल मतलब क्या है, जो पुराने तरीके से पुराने समय से चला रहा है, जो रिन्यू नहीं होता है, ठीक है, जो रिन्यू नहीं होता है, ठीक। तो यहां पे कन्वेंशनल रिसोर्सेज को इसीलिए क्या, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। एग्जॉस्टेबल मतलब क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहा जाता है। तो मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें या फिर बेसिकली एनर्जी सोर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, क्या कि मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट हमें हर एस्पेक्ट में है, चाहे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में चीजों को चलाने के लिए, ठीक है, गाय बैल तो है नहीं कि पीछे से लकड़ी मार देंगे चल जाएंगे, आपको पावर चाहिए रहेगी। वो पावर कहां से आएगी, वो एनर्जी आएगी एनर्जी रिसोर्सेज से। तो मिनरल फ्यूल्स जैसे अगर हम देखें तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन्हीं तीनों के बारे में आपको बताया भी आगे। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, ये किससे बना है, ये फॉसिल्स से बना हुआ है। फॉसिल्स मतलब क्या है, जो पुराना अवशेष रह गए ना, बहुत पुराने, जैसे पेड़ के हो गए, ह्यूमन बींग्स के हो गए, कह सकते हैं मराइन लाइफ के हो गए, ह्यूमन बींग्स के हो गए, तो उसी से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा सब कुछ निकलता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, यहां पे लिखा जरूर है, देखो न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को जो है ना आप क्लीन फ्यूल में कंसीडर करते हो, उसके लिए आप वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हो नॉन कन्वेंशनल। तो एनसीईआरटी में जो गड़बड़ है इसे सुधार लेना। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह हम क्या करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीन का ध्यान रखेंगे। तो दीज कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब क्या होते हैं, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स ऐसे हैं, गाड़ी में डाला पेट्रोल, घुमा के लाए, धुआं बना के उड़ा दिया, ठीक है, इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख कहीं धुआं, वो वाला नहीं है, ठीक है, यहां धुआं कौन सा है, गाड़ी वाला धुआं है। तो उस सेंस में क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको एक बेसिक आइडिया लगा। अब जो जो बताया मैंने, कोल हो गया, तो हम वही पैटर्न में पढ़ेंगे जिस तरह से हमने क्या मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कोई भी मिनरल रिसोर्स, अगर आयरन है तो आयरन कहां कहां पाया जाता है, ठीक है, वैसे ही बॉक्साइट है तो बॉक्साइट कहां कहां पाया जाता है, मैप अलग से करवाऊंगा, घबराना मत, ठीक है। तो अब जैसे यहां देखोगे आप एनर्जी रिसोर्सेज में, कोल की अगर बात करें तो कोल क्या है, कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स Which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore. Coal एक important mineral resource है जो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले thermal power plants में। तो जो thermal power plants चलते हैं बड़े बड़े, जो coal से चल रहे होते हैं, coal को burn करके वहां से energy निकलती है, जो heat निकलती है उससे turbine को rotate किया जाता है वहां पर। साथ ही साथ smelting of iron ore, iron ore जैसे लोहा जो निकाल रहे हो ना आप, तो आपने भी पढ़ के आया कि iron ore रहता है, iron ore से अपन क्या निकालते हैं, iron निकाल लेते हैं, लेकिन अपने आप नहीं निकलता कि आप बैठ जाओगे चलो iron बाहर आ जाओ iron ore से, वहां पे स्मेल्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे फर्नेसेस होते हैं, भट्टे होते हैं बड़े बड़े, उसमें लाइमस्टोन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके फिर क्या है, कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है, उस ओर को पिघलाया जाता है, तो स्लैग बाहर निकल जाता है और आपके पास प्योर आयरन आता है, पिग आयरन जिसे कहा जाता है। तो वैसे क्या है, वैसे अगर आप देखोगे तो कोल क्या है, कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स में, उसके अलावा जो हमारे घर में ठंड में हम सिगड़ियां जलाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इतना इस्तेमाल है। Coal occurs in rock sequence mainly of two geological ages, namely Gondwana and Tertiary. ध्यान रखते चलना, coal के बहुत सारे types होते हैं, जैसे ठीक on the basis of कह सकते हैं formation अगर पूछा जाए ना, on the basis of formation मतलब कि कब बना है ये, तो on the basis of formation अगर पूछा जाए तो Tertiary deposits और Gondwana deposits, दो तरह के deposits होते हैं coal के, ठीक है। तो Gondwana deposit में क्या आएगा, देखो Gondwana deposit में आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को कि 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन ईयर अगो जो डिपॉजिट 200 मिलियन ईयर अगो वाले हैं वो गोंडवाना होते हैं, और 55 मिलियन ईयर अगो वाले जो डिपॉजिट होते हैं वो
टर्शियरी डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये दो तरह के डिपॉजिट्स हैं, इन्हें ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, आयरन समझ में आ गया, आयरन क्या एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा, सॉरी आयरन ही कोल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जैसे गोंडवाना कोल जो पुराना कोल है, ठीक है, पुराना, तो जैसे बोलते हैं पुराने चावल फार फार होते हैं, वैसे ये गोंडवाना कोल की ज्यादा वैल्यू है। तो अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप। अब ये बिटुमिनस टाइप क्या होता है, तो वो तो एज के हिसाब से आपने गोंडवाना और टर्शियरी दो क्लासिफिकेशन देख लिए, वैसे ही अगर क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखोगे तो क्वालिटी के हिसाब से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, पीट, ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कोल्स होते हैं, और हर कोल में कार्बन कंटेंट रहता है अलग अलग, हर कोल में कार्बन कंटेंट अलग अलग रहता है। जैसे बिटुमिनस जो होता है ना, ये बिटुमिनस क्या है, सबसे बेहतरीन भी नहीं है, लेकिन जैसे चार है तो तीसरे नंबर पर इसकी पोजिशन आती है। इसे कमर्शियल कोल भी कहा जाता है, बिटुमिनस टाइप का जो कोल रहता है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड, ठीक है, तो ये नॉन कुकिंग ग्रेड के लिए कमर्शियल कोल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली जो है, तो दामोदर रिवर जो है, ठीक है, वो वाला जो पूरा रीजन है वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहां है, तो दे लाई इन दी झारखंड बंगाल कोल बेल्ट एंड दी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन दिस रीजन आर रानीगंज, झारिया, बोकारो, गृधी एंड करनपुरा। जिस अगर आप देखेंगे तो रानिया, झारिया, बोकारो, ठीक है, बीजेआर, तो ये सब कहां पे है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उधर वाला क्षेत्र जो दामोदर वैली वाला क्षेत्र जो है वहां पे आपको ये मिलेंगी, ठीक है। जैसे अब झारिया का बताया गया, झारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक है, झारिया झारखंड में, जैसे झारिया, जैसे झारखंड ध्यान रख लेना, ठीक है, और रानीगंज कहां पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ लार्जेस्ट कोल फील्ड्स है, झारिया इज लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, झारिया और रानीगंज इनका बड़ा बड़ा नाम है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं। फिर क्या है, दी अदर रिवर वैली एसोसिएटेड विद कोल्स आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। गोदावरी, महानदी, सोन की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे ये झारिया हो गया, ये रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है। अब क्या है, गोदावरी, तो गोदावरी में जैसे आप देखोगे तालचेर वगैरह, कोरबा, ठीक है, ये एसोसिएटेड है। फिर क्या है, गोदावरी हो गया, गोदावरी के बाद नहीं, गोदावरी नहीं, ये महानदी वाला है, महानदी हो गया। गोदावरी में जैसे आप देखोगे श्रृंगेरी, ठीक है, ये श्रृंगेरी वगैरह इधर आ जाएंगे, गोदावरी में गोदावरी हो गया। फिर कावेरी भी क्या नहीं, सोन है, तो सोन इधर ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज हैं। रिवर वैलीज में क्यों पाया जा रहा कोल पता है उसके पीछे का कारण, कारण सिंपल सा है कि जो पुराने एज की बात कर रहे हैं हम, टर्शरी एज, गोंडवाना एज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या 200 मिलियन ईयर अगो, 55 मिलियन ईयर अगो, उस समय पे क्या है कि ये जो रिवर वैलीज है, आज जो रिवर वैलीज है, यहाँ पे जो वेजिटेशन था वो पूरा का पूरा क्या है, रिफ्ट के कारण या फिर रिवर के कारण क्या है, डिपॉजिट होता चले गया था, और वो जो वेजिटेशन डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में वो वेजिटेशन जो था, लकड़ियां जो थी, वो क्या होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये हो गया, मैप अलग से करेंगे, इसलिए मैं बार बार बताते चल रहा हूं, ठीक है। दी अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद द कोल्स आर गोदावरी, महानदी एंड सोन, ठीक है, तो ये दूसरी रिवर वैलीज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जैसे इंपॉर्टेंट कोल माइन है सिंगरौली, ठीक है, पार्ट ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड लाइज इन उत्तर प्रदेश ऑफ सिंगरौली। जैसे आप बेसिकली देखोगे ना किधर भी, सिंगरौली है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका पार्ट जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ भी उसका बेल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचेर इन रामपुर इन उड़ीसा, ठीक है, चंदवर्धा, कंपीट एंड बांदेर इन महाराष्ट्र, श्रृंगिनी इन तेलंगाना एंड पांडूर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हो गई, ठीक है, जो यहाँ पे दी गई है। इस पे आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी कोल। टर्शियरी कोल मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कह सकते हैं टाइम फ्रेम आप देखोगे तो गोंडवाना और टर्शियरी दो तरह के कोल होते हैं। तो यहाँ पे टर्शियरी कोल की अगर बात की जाए तो टर्शियरी कोल अकर्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, ठीक है। टर्शियरी कोल कहां पे पाया जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम धारंगिरी, चेरापूंजी, मेवलिन एंड लैंगरिंग, ठीक है, मेघालय में है, ठीक है, माकुम, जयपुर, नाजीरा इन अपर असम, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश हो गया, कालाकोट जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये जो सारे नाम देख रहे हैं तो इन सारे नाम को आपने क्या होगा पहले नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कोल प्रोडक्शन वगैरह जैसे आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, तब आपने ये सारे नाम नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि क्लास 12th में सुनेंगे ना भारी भारी नाम। तो बेसिकली क्या है ना कि ये टर्शियरी और कह सकते हैं गोंडवाना कोल इतना डिस्ट्रीब्यूशन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, बेसिकली आप और क्या कर रहे हैं और टॉपिक्स को स्प्लिट कर रहे हैं। तो टर्शियरी कोल जो है, जो कि क्या है, रिसेंट, रिलेटिवली नया है, 55 मिलियन ईयर अगो नया नहीं होता, लेकिन फिर भी पुराने से कंपेयर करोगे तो रिलेटिवली नया है ना। तो टर्शियरी कोल अकर्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड,
फाइन, तो उसमें कहां कहां कोल फील्ड है वो सब कुछ बताया गया। तो बिसाइड दी ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर्स इन दी कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम रहता है, ये ब्राउन कोल जो रहता है, तो ये ब्राउन कोल भी इसके अलावा हमें मिलता है, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं कि पका हुआ नहीं एक तरह से, ऐसा कह लो। तो ये तरह तरह के कोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोल एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हुआ, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज में हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, अभी नॉन कन्वेंशनल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक कोल हो गया। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहां से मिलता है? तो जैसे वही बताया ना, सारे जो कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो है, तो मिनरल रिसोर्सेज किस चीज पर बेस्ड है आपको पता है? मिनरल रिसोर्सेज बेस्ड है फॉसिल्स पर। तो फॉसिल्स में जैसे पेड़ से बन गया कोल, अब जो इंसान थे, पशु पक्षी थे, मछलियां थी, उनके स्केलेटन से, उनके फॉसिल से क्या बनेगा? उनके फॉसिल से बनेगा तेल, ठीक है। तो हम जीवन भर सिर में तेल लगाते हैं, तेल खाते हैं ना, तो तेल फिर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जिस देखोगे तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ह्यूमन बींग्स या फिर स्केलेटन और इन फॉसिल से बनता है। तो क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जैसे आप देखोगे ना, तो क्रूड पेट्रोलियम जो है तो अलग अलग कलर में, अलग अलग उसमें बेसिकली ब्लैक कलर में रहता है, इसलिए क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स, ठीक है। तो लिक्विड में भी मिलता है, गैशियस स्टेट में मिलता है, तो वो नेचुरल गैस बन जाता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कहानी, ठीक है। तो इट इज एसेंशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं? तो इंटरनल कंबशन इंजन्स मतलब जैसे कार वगैरह में जो लग रहे थे ना कि वहीं के वहीं पेट्रोल डालो, अंदर के अंदर क्या कर देंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ऐसे इंटरनल कंबशन इंजन्स जो रहते हैं उन्हें अगर चलाना है, ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन्स ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट जो रहते हैं उन्हें चलाने के लिए, उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कौन करता है? पेट्रोलियम उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है। इट इज न्यूमरस बाय its numerous byproducts are processed in petrochemical industry such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, vaseline, lubricant, wax, soap, cosmetics। जी हाँ, कुछ बच्चे अभी मुंह बना रहे होंगे कि हम जो वैसलीन ऐसे खूब ठंड में रगड़ा करते हैं हमारे होठों पे, वो कहां से आती है? तो वो पेट्रोलियम से आती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पेट्रोलियम से पेट्रोलियम नहीं निकलता है, समझो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्रूड ऑयल जो रहता है काला कलर का डार्क एकदम, ठीक है, वो क्रूड ऑयल से आपको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, उसी से केरोसिन मिल रहा है, उसी से आपको प्लास्टिक मिल रहा है, उसी से आप देखेंगे नेचुरल गैस मिल रहा है, उसी से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ रही है, उसी से आपको वैसलीन मिल रही है, लुब्रिकेंट मिल रहा है, उसी से आपको क्या मिलता है? सिंथेटिक फाइबर मिलता है। दुनिया भर की चीजें जो है वो कहां से निकल के आ रही है? पेट्रोलियम से निकल के आ रही है, ठीक है। तो उस सेंस में क्या ये उसके न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ में आया? तो ये पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सट्रैक्शन देखे ना पेट्रोल का, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहां कहां है और कहां कहां एक्सट्रैक्ट होता है। तो क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड मतलब 55 मिलियन ईयर अगो जो डिपॉजिट्स हुए थे वहां पे आपको क्रूड पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाज सिस्टमैटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप इन 1956, ठीक है। तो ओएनजीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1956 में, उसके बाद में सिस्टमैटिक तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। उसके पहले तो ऐसा है कि कुआं खोदो, जहां निकल गया वहां से तेल बना लिया जाता था, मतलब सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम नहीं था, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में होता था। और इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे ना, तो दिग्बोई जो है आसाम में, ये बहुत पहले और ब्रिटिश टाइम पीरियड की ही ऑयल फील्ड है। तो टिल देन दिग्बोई इन आसाम वाज़ द ओनली प्रोड्यूसिंग रीजन, बट द सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956। क्यों? क्योंकि 1956 में जब हमारा देश हमें खुद मिल गया, तो ऑयल ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसे सेटअप किया गया, इसको पहुंचा दिया, जाओ जरा एक्सप्लोर करो। तो इसने जगह जगह देखा ऑयल फील्ड्स कहां है, वहां ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। इन रिसेंट ईयर्स न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अब जैसे आप रिसेंट ईयर की बात करें, तो रिसेंट ईयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन रिसेंट ईयर्स न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न से क्या हो जाएगा? तो एक्सट्रीम वेस्टर्न इधर और एक्सट्रीम ईस्टर्न मतलब इधर। तो नए नए लोकेशंस भी और मिले हैं इनिशियली। जैसे अगर आप देखोगे, जब ओएनजीसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, सिर्फ दिग्बोई ही एकमात्र फील्ड थी उस समय। ओएनजीसी का एस्टैब्लिशमेंट ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अब आप सीयूसीईट के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो इस तरह से बेसिक्स जो है, छोटे छोटे माइन्यूट जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर है? ये चीजों का ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, तो और कहां कहां है? तो इन असम, दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरान आर इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो यहां पे आप देख लो, दिग्बोई, नहरकटिया, ठीक है, मोरान, ये सारे आपको मिल जाएंगे असम में। असम के बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो दी मेजर फील्ड्स ऑफ गुजरात आर अंकलेश्वर, कालोल, ठीक है, मेहसनान, नवगाम,
कोसाम्बा कोसाम्बा एंड लुनेज, ठीक है। तो ये जो है गुजरात की क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हो जाएगी। अब अगर गुजरात हो गया, देखो गुजरात और असम दो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गए वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कुछ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन सेंटर्स भी हैं। ऑफशोर मतलब क्या है कि समुद्र तट से अंदर आके, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वॉज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन कमेंस्ड इन 1973 में इसको एक्सप्लोर कर लिया गया था, मुंबई हाई जो कि क्या है 160 किलोमीटर समुद्र के अंदर है, ठीक है। रॉकी भाई पहुंच सकते थे यहां तक। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे 1976 से एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट किया, ठीक है। 1976 से एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट किया मुंबई हाई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंबई हाई के बाजू में जैसे बेसिन वगैरह ये सारे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पे आ जाओगे ना तो यहाँ पे क्या है, कृष्णा मतलब गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तो इन रिवर्स के जो बेसिन है ना, जो डेल्टा है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑयल और नेचुरल गैस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो वहां पे भी आपको ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑयल और नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन द एक्सप्लोरेटरी वेल्स, ठीक है, जहां पे अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। क्लियर हुआ। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। अब क्या हो रहा है ना, आपको ऐसा नहीं है कि जहां पे जैसे दिग्बोई ऑयल फील्ड में जाके आप अपनी गाड़ी ले जाके खड़ी कर दो, बोलते भैया फुल टैंक कर दो, वहां पे ऑयल नहीं निकल रहा है, ठीक है। बेसिकली वहां आपको पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, वहां आपको क्या मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, जैसे दिखता है ना गाढ़ा सा एकदम, ठीक है। क्रूड ऑयल का जैसे कभी कभी स्पिल हो जाता है सी पे, तो न्यूज वाले कैमरा लेके पहुंच जाते, दिखाते कितनी मराइन लाइफ इफेक्ट हो गई वो सारी चीजें। तो वो आपको जो मिल रहा है ना, वो क्रूड ऑयल मिल रहा है, काला डार्क मतलब टार की तरह एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा मिलता है वो। लेकिन अब होता क्या है, तो वो ऑयल एक्सट्रैक्ट जो किया जा रहा है, जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्रूड ऑयल क्या होता है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, तो इंप्योरिटीज के नाम पे ये प्लास्टिक प्लास्टिक सब निकाल देते हो आप, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, आगे समझ में, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पता लग रहा आप पेट्रोल की टंकी भरवाने पहुंच जाओ वहां पे कि ऑयल वेल है चलो वहां चलते हैं, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इट नीड्स टू बी रिफाइंड, उसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन कहां करोगे, रिफाइनरी में, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। अब रिफाइनरीज दो तरह की होती है, ध्यान रखना, क्या होता है, एक होती है फील्ड बेस्ड, एक होती है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज क्या होती है पता है, फील्ड बेस्ड मतलब क्या है कि जहां तेल निकला है वहीं क्या कर दो, तेल को पेल दो, किस तरह से, मतलब वहीं पर रिफाइन कर दिया जाता है। जैसे मुंबई हाई जो है, ठीक है, या फिर नहीं मुंबई हाई नहीं, जैसे आप कहते हो मुंबई हाई से क्योंकि एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे दिग्बोई की जो बात कर रहे हैं हम, ये दिग्बोई है ना आसाम में, तो ये दिग्बोई जो है, ठीक है, तो ये दिग्बोई में यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये फील्ड बेस्ड है। दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड, ठीक है, मतलब वहां जहां एक्सट्रैक्ट किया, जहां ऑयल वेल है, जहां ऑयल फील्ड है, वहीं उसको क्या कर दिया आपने, रिफाइन करके वहीं, हाँ दिग्बोई लेके अगर गाड़ी की टंकी लेके पहुंचोगे तो भर देंगे वो, ठीक है, क्योंकि वहीं पे रिफाइन भी हो रहा है। बाकी जैसे बारूनी हो गया, ठीक है, बारूनी कहां पे, बिहार, ये रहा, ठीक है, बारूनी बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पाइपलाइन से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बारूनी तक ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, ये मार्केट बेस्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, की मतलब बारूनी तक क्रूड ऑयल लाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, और वो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके फिर बोलते हैं कि आप गाड़ी की टंकी में डलवाओ, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ मार्केट बेस्ड भी होती है। तो दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड बारूनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। समझ में आया। एक और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो है नेचुरल गैस। अब क्या है, ये करण अर्जुन टाइप से, कौन, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, कैसे, तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि नेचुरल गैस जो है तो वो क्या है कि वो पेट्रोल, वो भी फॉसिल से ही बना है। लेकिन अब आपको एक चीज समझना होगा, अच्छे समझना, हाँ, यहाँ पे क्या, जैसे अगर मान लो ये स्ट्रेटा है, ये किस चीज का, ये जमीन का एक स्ट्रेटा है, एक वो ले लिया हमने, अब यहाँ पे क्या फॉसिल्स फॉसिल्स पड़े हुए थे, ठीक है, तो ऐसी मछली बनाना बचपन में सीखी थी ना सभी ने ऐसी वाली, अब ये मछली वछली के क्या फॉसिल्स थे, ये फॉसिल्स क्या हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फॉसिल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये ऑयल स्ट्रेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है ना कि ये जमीन का हिस्सा है, लेकिन नीचे जमीन के क्या है, तंदूर है, मतलब नीचे आप देखोगे अर्थ के अंदर जाओगे तो क्या, अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, वो मैग्मा उबाल खा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, वो गर्मी हीट तो सप्लाई कर ही रहा है, ठीक है, तो इधर नीचे हीट जब सप्लाई होती है तो ये ऑयल है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड को हीट सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वो गैस है ना। तो गैस 20%, यहां कैसे गैस 20% है, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल को जब कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, नीचे से आप जैसे देखेंगे क्रूड, और किधर चलेगा, हाँ बैक, तो अब जब क्रूड ऑयल को कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल को जब कंटिन्यूसली नीचे से हीट सप्लाई हो रही है, तो वो क्रूड ऑयल लिक्विड है और नीचे से कंटिन्यूसली क्या हो रही है, ये हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस हीट सप्लाई के चलते क्या होगा कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब आप क्या करते हैं, जब आप ऑयल फील्ड्स में एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं ना पेट्रोलियम, तो बहुत सी बार क्या होता है कि ऑयल फील्ड जहां से आपको क्रूड ऑयल निकालना है वहां पे आपको गैस भी मिल जाती है बाय प्रोडक्ट की तरह। क्यों, क्योंकि वही जो
कह सकते हैं कि लिक्विड क्रूड ऑयल था वो गैस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द कन्वेक्शनल हीट के चलते। सर नहीं, वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब अगर हम जैसे देखें तो द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल की जो बात करते हैं ना, जैसे आपने देखा ONGC था, वैसे ही एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग क्या है, गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल, वाज सेट अप इन 1984 एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। तो इनको डिपार्टमेंट दे दिया, ONGC ऑयल संभाल रहा है, तुम क्या संभालो, तुम गैस संभालो, ठीक है। तो गैस का डिपार्टमेंट दे दिया किसको, गेल को, नेचुरल गैस का। इट इज ऑब्टेंड अलोंग द ऑयल इन ऑल द ऑयल फील्ड्स बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एज वेल एज तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफ शोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। समझ में आया? तो कहां पे मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड से ही आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैंने अभी समझाया यहाँ पे एक डायग्राम करके समझाया था ना कि ये इसको नीचे से कन्वेक्शनल हीट मिलेगी तो ये क्या कर जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज ऑब्टेंड, नेचुरल गैस इज ऑब्टेंड विद ऑयल इन द ऑयल फील्ड्स बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स। अब कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, कहीं कहीं ये भी स्थिति रहेगी कि कहीं कहीं स्थिति क्या रहेगी कि जितना भी आपको लिक्विड क्रूड ऑयल था वो पूरा का पूरा लिक्विड क्रूड ऑयल क्या हो गया, कन्वेक्शनल करंट के चलते पूरा का पूरा ही किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ही गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जब पूरा का पूरा ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आप यहां पे कहीं कहीं एक्सक्लूसिवली गैस ही गैस पाओगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सक्लूसिव कह सकते हैं नेचुरल गैस वाले रिजर्व्स कहां कहां मिलेंगे, तो एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज गुजरात, एज वेल एज त्रिपुरा, राजस्थान, ऑफ शोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहां पे आपको सिर्फ गैस भी मिल जाएगी कहीं कहीं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में समझाया था, जहां पर हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझा कि किस तरह से ये एग्जॉस्टेबल होते हैं और ये सारी चीजें। अब हम आ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है ना हमारे चैप्टर का, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनर्जी रिसोर्सेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो भी हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं मिनरल्स से ही, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। कन्वेंशनल हो गया, ये नॉन कन्वेंशनल की बारी है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज देखिए, तो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी यूज एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, ये सभी के सभी जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल पर बेस्ड है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था और मैंने आपको वहां पे समझाया भी था कि ये जो सारे रिसोर्सेज है ये क्या है, ये एक तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब हम फोकस करेंगे ऐसे वाले जो क्या है, जो कंटिन्यूस बेसिस पर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो अब आपको हेडिंग जस्टिफाइड लगी, यही हम समझने वाले हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको कब कौन सा सेशन आने वाला है इस चीज की अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स में स्पेशल क्लास होती है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें आपको अनअकैडमी ऐप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट यूज द कोड DIGRAJF दिगराज, ठीक है। इस कोड की मदद से आप सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, तो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलार, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। तो जो सस्टेन्ड वे में लंबे समय तक जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे चल सकते हैं, जो हमारे पास लंबे समय तक रह सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सोलार, विंड, हाइड्रो, मतलब हाइड्रो पावर से क्या आ जाएगा, हाइड्रो पावर से आप पानी के थ्रू जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है ना, वो भी क्या, वो डैम में पानी फिर भर के आ जाता है ना आसमान से, तो वो वाली कहानी रहती है, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। तो ये कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो नॉन कन्वेंशनल या फिर कह सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो दीज एनर्जी सोर्सेज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। और ये जो रिसोर्सेज है तो ये स्पेस बाउंड नहीं है, मतलब ये ऐसे है जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी जरूरी नहीं मतलब कि अब आपके छत पे आप विंडमिल बना लो, लेकिन ये क्या है, फिर भी सभी जगह क्या इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साथ ही साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विल प्रोवाइड मोर सस्टेन, इको फ्रेंडली, चीपर एनर्जी आफ्टर द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ।
तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो रहती है वो थोड़ी सी हाई रहती है। जैसे मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट रनिंग मतलब कह सकते हैं सब्सिक्वेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाली बात आ जाएगी, ठीक है, उस मामले में इको फ्रेंडलीनेस कितनी है उस रिसोर्स की, उस मामले में क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बेहतरीन होते हैं, ठीक है, बेहतरीन होते हैं। अब अगर हम देखें तो कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज अ वायबल सोर्स इन रीसेंट टाइम्स। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। तो अब ये थोरियम सुनते से एवेंजर फैंस जितने भी होंगे तो एवेंजर फैंस को क्या ध्यान आ गया होगा, थॉर, ठीक है। बाकी थिंग्स अबाउट अगर जिसे हम देखें तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस में, ठीक है। यूरेनियम की मदद से आप क्या है बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिएक्टर जो है वो चल रहे होते हैं, वहां पे आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन धारवा रॉक्स, ठीक है। जियोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशन सच एज सिंघभूम कॉपर बेल्ट, ठीक है। तो सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का ध्यान आया, तो वहां पे जैसे अगर आप देखेंगे क्या है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यूरेनियम डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक। इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर अलवर झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बांद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यूरेनियम जो है, तो यूरेनियम में कहां कहां पे आपको कंट्री में यूरेनियम डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। सो दीज आर दी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और मेजर रीजंस प्रोड्यूसिंग यूरेनियम। फिर उसके बाद अगर जैसे देखें तो थोरियम जो है, थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट एंड एलिमिनाइट, मोनाजाइट और एलिमिनाइट सैंड जो होती ना, ठीक है, बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो थोरियम जो है, थोरियम की अगर बात करें तो मोनाजाइट और मोनाजाइट के साथ साथ में क्या है एलिमिनाइट, ठीक है, एलिमिनाइट ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है रिएक्टर की तरह, ये जो आपको कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जैसे अगर आपको मिल भी जाएंगे मोनोजाइट वगैरह, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि ये रिएक्टर बेहतरीन रिएक्टर्स होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट अकर इन पलक्कड़ एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला जो है ना, तो सैंड जैसे मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिजर्व है, ठीक है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा मोनोजाइट डिपॉजिट्स आपको केरला में देखने को मिल जाएगा, पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, नियर दी विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा वगैरह में भी आपको महानदी रिवर के डेल्टा के आसपास मोनोजाइट सैंड के डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने। वैसे अगर न्यूक्लियर एनर्जी का कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या रहा सब्सिक्वेंटली, तो अगर आप समझेंगे तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि इंडिया में 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था, इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही आप क्या देखेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे इज नियर बॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे इन 1954 विच वॉज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967, ठीक है। तो यहां से आप जैसे आपको क्या एसेंस मिला है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था, फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट वगैरह स्टैब्लिश किया गया जिसका रीनेम कर दिया गया रिसर्च सेंटर को क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। यहां से आप क्या देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी में और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है, एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट में इंडिया में आपको और प्रोग्रेस देखने को मिलती है। द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, रावत भाटा नियर कोटा, ठीक है, राजस्थान हो गया, कलापक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका एंड काकरापारा गुजरात। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आपको सब्सिक्वेंटली क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बेहतरीन तरह से प्रोड्यूस हो रही वो देखने को मिल जाएगा। तो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया। दूसरा आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब क्या है, सूर्य, ठीक है, सूर्य का रथ जिसका रथ अथक चलता, ठीक है, नहीं रुकता नहीं थकता, उस टाइप से सूर्य जो है ना, तो वो अपनी सोलर इंसुलेशन तो कंटिन्यूअसली देता रहता है, तो वो सोलर इंसुलेशन का इस्तेमाल करके जब आप एनर्जी बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो सोलर एनर्जी कहलाती है, वो सोलर एनर्जी कहलाती है। तो सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी में क्या हो जाएगा, सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। टू इफेक्टिव प्रोसेसेस कंसीडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव टू टैप सोलर एनर्जी आर
फोटोवोल्टिक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जैसे एक चीज और देखेंगे तो क्या है, दो इफेक्टिव प्रोसेसेस जिससे आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक तो फोटोवोल्टिक्स है और दूसरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली आप फ्लूइड्स वगैरह को गर्मी देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल्स जो रहते हैं तो वो इस तरह की प्लेट्स जो काम कर रही होती है वो। ठीक है, अब यहाँ पे वही बताया गया कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जैसे कोल पेट्रोलियम वगैरह, उसके ऊपर क्या एडवांटेज है, ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी का क्या, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज रहता है, देखो इट इज कॉस्ट कॉम्पिटेटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉम्पिटेटिव है, जितना पैसा आप उधर वो रॉ मटेरियल लाने में खर्च करोगे, जैसे कोल बार बार लेना पड़ेगा आपको, पेट्रोलियम बार बार लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार इंस्टॉलेशन है बस। इंस्टॉलेशन के बाद में क्या है, ये जो प्लेट्स रहती है सोलर प्लेट्स फोटोवोल्टिक रेंज, ठीक है, ये क्या करती रहती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती रहती है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इट इज कॉस्ट कॉम्पिटेटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है। सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन दी कोल एंड और ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्लांट में भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती है, एक ऐसी समस्या रहती है कि रेडियो एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा, ये वो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, बाकी ये सबसे बेहतरीन क्या, मतलब सूर्य जो है ना, सूर्य के आगे कौन चलेगा यार, बताओ। ठीक है, तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इट इज कॉस्ट कॉम्पिटेटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, दिस इज द पॉइंट। मूविंग अहेड, यूजर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यूजर्स की अगर बात की जाए तो आपको इस्तेमाल क्या देखने को मिलता है, इट इज जनरली यूज मोर इन अप्लायंसेज लाइक हीटर, क्रॉप ड्रायर्स, ठीक है, कुकर्स एक्सेट्रा। अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो घर में बनाई जा रही है, वो तो एक चीज है ही है, उसी के साथ साथ क्या है, अप्लायंसेज जैसे हीटर हो गया, क्रॉप ड्रायर, समझते हैं क्रॉप ड्रायर्स मतलब क्या होता है कि क्रॉप भर के रखते हैं ना कुछ कुछ उसमें, जहां पे क्रॉप स्टोर की जाती है, तो क्रॉप मॉइस्चर के कारण खराब ना हो जाए तो क्रॉप ड्रायर्स। अब क्या रहता है कि आप दूसरे और किसी तरह से आग जला के तो ड्राई कर नहीं सकते हो, क्रॉप क्रॉप ही जल जाएगी आपकी, तो इस तरह से हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है सोलर एनर्जी की मदद से। ठीक है, तो क्रॉप ड्रायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है तो यहाँ पे गुजरात राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सफिशियंट अमाउंट में सनरेज आपको देखने को मिल जाती है, तो और मतलब सॉइल का उतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं है, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर एनर्जी का। ठीक है, बेहतरीन तरह से। विंड एनर्जी पे आते हैं, विंड एनर्जी क्या होता है, तो हवा का इस्तेमाल। ठीक है, विंड एनर्जी का सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि हवा जो है, ठीक है, विंड की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, ये जो विंड मिल्स होती है उन्हें रोटेट करते हैं, टर्बाइन्स को रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, चलती रहती है हवा तो, ठीक है, हवा कंटिन्यूअसली चलती रहती थी। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। ठीक है, जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल सा है, क्या मैकेनिज्म है, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइन्स इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है टर्बाइन्स की मदद से क्या है, टर्बाइन घूमती है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, दी परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट समझना होगा, परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड्स लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड। ठीक है, तो जो जो जिस जिस तरह की हवा चलती है, ट्रेड विंड चलती है, जियोग्राफी में 11th में आपने पढ़ के आया, वेस्टर्लीज चलती है, ठीक है, मॉनसून विंड्स चलती है जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, तो वो सारी हवाओं का, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट जैसे आप देखोगे तो क्या है, वेस्टर्न घाट पे आपको जगह जगह क्या है, लाइन से बहुत सारी आपको विंडमिल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी बनाने के लिए। बिसाइड दीज लोकल विल्स, लोकल विंड्स, लैंड्स एंड सी ब्रीज कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, फेवरेबल कंडीशन देखने को मिल जाएगी विंड एनर्जी के कन्वर्जन के लिए। ठीक है, इस तरह के विंड मिल्स आपने देखे होंगे, पवन चक्की, हिंदी में क्या कहा जाता है, पवन चक्की कहा जाता है उसे। अगली चीज क्या है, टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एंड वेव एनर्जी, अब अगेन ये कहां से जो है, टाइड, समुद्र से, तो समुद्र में भी बहुत पोटेंशियल है। ये जो नेचर है ना, इस नेचर को हल्के में मत लेना, सूर्य, समुद्र, हवा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो उस तरह से क्या है, वहां पे जो टाइड्स है, समुद्र में जो वेव्स आ रही है उसके अंदर कितनी पोटेंशियल रहती है, कितनी एनर्जी रहती है, तो ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। ओशियन करंट जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, टाइड्स जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, तो मतलब चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो पानी में मूवमेंट होता है उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो सकता है, तो उस शक्ति का इस्तेमाल किया जाए ना। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी persistent efforts were made to create a more efficient energy system from the seasonless
टाइडल वेव्स एंड ओशियन करंट्स, ठीक है। तो ओशियन करंट्स और कह सकते हैं टाइडल वेव्स जो होती है, ओशियन करंट और टाइडल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है? टाइड्स मतलब राइज एंड फॉल और करंट मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अब क्या हो रहा है पानी आ रहा जा रहा है, तो पानी के आने जाने से टर्बाइन रोटेट होती है, तो इस टर्बाइन के रोटेशन से आप क्या कर रहे हैं, वही वाली बस घुमाओ आ गया, मतलब एनर्जी बना दोगे आप, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर लोगे। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू ऑकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स आती है और उसी पे क्या है बहुत सारे टाइडल पावर प्लांट्स मिल जाएंगे। हेंस इंडिया हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल अभी और है, पोटेंशियल और है और पूरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उस सेंस में ये लिखा गया है। टाइडल एंड वेव एनर्जी के बाद में जियोथर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है, देखो जियो मतलब क्या होता है, जियोग्राफी के अलावा, जियो मतलब होता है, ठीक है, और जियो और रिलायंस के अलावा, यहां पे जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, गर्मी, ठीक है। तो जो वो अर्थ के अंदर की गर्मी है ना, उससे जब आप एनर्जी बनाते हो तो वो जियो थर्मल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो जियो थर्मल एनर्जी की कहानी क्या है, देखो, तो व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ कम्स आउट ऑन द सर्फेस ट्रेमेंडस हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो क्या होता है, जब मैग्मा जो है, तो व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ comes out on the surface, tremendous heat is released, ठीक है। तो वो मैग्मा के अंदर से जब हीट रिलीज होती है, तो जिसमें मैंने आपको बताया, तो पेट्रोल को जब नेचुरल गैस बना सकती है तो कुछ भी कर सकती है, तो उसी सेंस में क्या होता है, दिस हीट कैन बी सक्सेसफुली टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे अब क्या हो रहा है, तो आप जैसे आप देखेंगे ये स्ट्रीम्स वगैरह आ रहा है, इस स्ट्रीम्स को टैप करके आपने क्या करा, टर्बाइन को रोटेट करा, टर्बाइन रोटेट करते जनरेटर, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बन गई आपकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, इस तरह से जो अर्थ के अंदर की गर्मी है, ठीक है, अर्थ के अंदर की जो गर्मी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टर्बाइन्स वगैरह को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे दी हीट एनर्जी कैन बी सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस दी हॉट वाटर दैट गशेस आउट थ्रू दी गीजर्स गीजर वेल्स इज आल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक जगह देखने को मिलेगी, तो वहां पे हॉट वाटर जो गश आउट करता है, ठीक है, गीजर वेल्स जिन्हें कहा जाता है, गर्म पानी के जो फुवारे रहते हैं, उससे भी जो स्टीम वगैरह निकलती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है थर्मल जियो थर्मल एनर्जी के सेंस में, ठीक है। तो इट इज पॉपुलरली नोन एज जियो थर्मल एनर्जी। और इस तरह से जब आप क्या कर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर के, अर्थ के अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जियो थर्मल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया, जियो थर्मल एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्स विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स, ठीक है। और ये आज से नहीं, आप जैसे देखोगे तो हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स आर बीइंग यूज्ड सिंस मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो हॉट वाटर शावर कैसे लेते थे लोग, ठीक है। तो इस तरह से जहां जहां पे क्या है, हॉट स्प्रिंग्स होती थी, गीजर्स होते, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, पहले नहाने के लिए किया जाता था, अब क्या है उसे आज के समय में आप डेवलप कर सकते हैं एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो इन इंडिया अ जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन्ड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया में आप जैसे देखेंगे तो आपको मणिकरण हिमाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या, जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए, या फिर जियोथर्मल एनर्जी को एज कह सकते हैं मिनरल एनर्जी या फिर एनर्जी रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए, वो कहां पे किया गया था, ठीक है, वो यूएसए में किया गया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल 1890 में अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वॉज मेड इन द सिटी ऑफ बॉयस इदाहो यूएसए, वेर अ हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वॉज बिल्ट टू गिव हीट टू दी सराउंडिंग बिल्डिंग्स, दिस प्लांट इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। तो पहले बिल्डिंग्स को ठंडा एरिया है ना, तो वहां पे गर्म रखने के लिए प्रयास किया गया था और जो आज तक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने जियोथर्मल, टाइडल, न्यूक्लियर, सोलार, ये सारी एनर्जी पढ़ ली। एक और एनर्जी जो है वो है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के बारे में पढ़ते, देखो क्या है, तो बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यूस, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, ठीक है। तो बायो एनर्जी में क्या हो जाएगा, बायो एनर्जी में आपको ये सारे एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। तो बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यूस, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी किसमें, ये सारी चीजें मतलब क्या हो रहा है ना, कि जितना भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसे आप फेंक देते हो सड़ जाता है, उसकी जगह क्या, सड़ाने की जगह उसको आप ऐसे सड़ाओ कि उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो गैसेज मीथेन वगैरह रिलीज होगी, उसे इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सिंपल, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एडवांटेजेस क्या है बायो एनर्जी के, देखो, तो बायो एनर्जी में समझ में आया, जैसे गोबर से खाद बना रहे हो आप, तो वो क्या है, वो गोबर गैस जो होते हैं वो क्या है, बायो एनर्जी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ बायो एनर्जी की अगर बात की जाए, तो बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन,
इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। तो जैसे आपने देखा होगा गोबर गैस चैंबर्स जो रहते हैं, तो वहां से क्या है कि काउ डंग से आप मीथेन निकाल रहे हैं, उस मीथेन से खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज रहती है। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये वेस्ट और ये गार्बेज वगैरह को प्रोसेस करने का काम भी करता है वो, ठीक है। बायो एनर्जी से क्या करे, कचरा इधर उधर भी पड़ा रहेगा, तो उससे बेहतर क्या है कि आपने उसको कलेक्ट करके इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, वो चीज रहती है। दिस विल इंप्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनहांस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड, ठीक है। ये अगला पॉइंट हो गया क्या कि दिस विल इंप्रूव इकोनॉमिक लाइफ इन रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है अगर उसके एनर्जी नहीं बनाओगे तो जलाएंगे कचरे को, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, इधर उधर जाएगा एनवायरमेंट में, तो इससे सेल्फ रिलायंस भी लोगों का बढ़ जाएगा, फ्यूल वुड पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप उस पहले क्या लकड़ी जला रहे थे आप, तो लकड़ी ना जलाते हो अब क्या आप गोबर गैस से आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर उसको एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। और एक अगर ऐसा एक एग्जांपल देखोगे आप तो वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली, ठीक है। तो ओखला आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी सुनेंगे कि ओखला से वेस्ट क्या कह सकते हैं गार्बेज डंप को हटाओ दिल्ली के पास में, लेकिन वहां पे प्रयास किया जा रहा क्या है म्युनिसिपल वेस्ट जो पूरा का पूरा आता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए ओखला दिल्ली। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे वीडियोज में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमने स्टार्टिंग से फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, तरह तरह के मिनरल्स पढ़े, ठीक है। फिर वो मेटालिक मिनरल्स में हो गया सब कुछ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्या एनर्जी रिसोर्सेज में, तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमने क्या देखा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही एनर्जी रिसोर्सेज को देख लिया। उसी के साथ साथ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कैसा है थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि आपकी बुक कौन सी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सो उस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को एक एक करके हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला पड़ाव जो हमारा वो कौन सा है, अगला पड़ाव जो हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। कंजर्वेशन मतलब क्या, क्यों बचाने की जरूरत है और कंजर्व करने की जरूरत है, क्यों करने की जरूरत है, सवाल ये है, और कैसे करोगे, ठीक है। तो दी चैलेंज, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पे पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा, सिंपल सी चीज देखो, दी चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मतलब हमें एक दो पहलू है ना, हमें एक पहलू पे क्या करना है, विकास को भी देखना है, ठीक है, डेवलपमेंट भी हो, दूसरे पहलू पे हमें यह देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को भी कंजर्व किया जाए। तो अब यहां पे आपको बैलेंस क्या करना है, बैलेंस ये करना है कि इस पूरी प्रोसेस में कि डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी, एक एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, तो हमें मिनरल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हमारे मिनरल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड ये टॉपिक है आपका, सिंपल सा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स है, स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी। फाइन, तो अब अगर हम बात करें कि ये तो समझ में आ गया सर कि कंजर्वेशन जो मिनरल्स का वो जरूरी है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच में बैलेंस करते हुए कंजर्व करना है मिनरल रिसोर्सेज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, क्या समस्या, ये कि जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है ना हमारा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है हमारे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्स यूज, उससे क्या हो रहा है, उससे आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्या कर दे रहे हैं, वेस्ट के नाम पे बहुत सारा रिसोर्स को क्या कर दे रहे हैं, बहा दे रहे हैं, गवा दे रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो समस्या ये है कि अब जो ट्रेडिशनल तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें समस्याएं हैं, उसमें वेस्ट है, उसमें एनवायरमेंट को डैमेज है, इसके लिए उसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि कैसे करोगे, तो सवाल अगर आता है हाउ कैन दी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बी एंश्योर्ड, तो ये रहा आंसर, कैसे आप मिनरल रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, दी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर पावर, विंड वेव, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो अल्टरनेटिव आपके पास सोर्सेज है वो इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो एक दिन खत्म हो, मतलब दी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक ये, ठीक है, जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं कोल पेट्रोलियम वो तो एग्जॉस्टेबल है, लेकिन जो ट्रेडिशनल के अलावा हमारे पास आज अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे सोलर पावर, विंड वेव, ठीक है, विंड वेव, वेव मतलब यहाँ पे टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, ये इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर है, ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर मतलब क्या, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो दीज शुड बी डेवलप्ड टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और इसीलिए क्या है
एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगे तो वो हमें तो पता है एक दिन खत्म होना ही है, तो इसके लिए कुछ ऐसा उसकी प्लेस पे लाया जाए जो कभी खत्म ना हो। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स के केस में, चलो एनर्जी रिसोर्सेज के केस में तो आपने क्या कर लिया, जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करोगे, लेकिन मेटालिक मिनरल्स कहां से लाओगे? ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में क्या होगा, स्क्रैप मेटल्स होते हैं ना। स्क्रैप मेटल्स मतलब क्या है कि मेटल तो मेटल होता है, उसके पिघला के फिर से नया रूप दिया जा सकता है, तो स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकलिंग पे फोकस किया जाए। जैसे यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, ठीक है, इन विच इंडियाज रिजर्व आर मीगर। ठीक है, तो जहां हमारे पास कमी है, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, इन मिनरल्स की हमारे पास बहुत कमी है ना, तो जहां पे मिनरल्स आपके पास कम है, मीगर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका क्या हो, उनकी रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्कार्स मेटल्स मे ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो, ठीक है, जरूरी है कि हमेशा मेटल का जहां जरूरत है वहां मेटल ही हो, कुछ अगर उसका अल्टरनेटिव आ सकता है, जैसे कहीं कहीं पे टफ प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो एक पॉइंट रहता है क्या कि स्क्रैप मेटल्स के साथ साथ में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल भी किया जाए, मतलब स्क्रैप मेटल को रिसाइकल करने के साथ साथ सब्स्टिट्यूट पे फोकस किया जाए। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व मे बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब हम पैसा कमाने के चक्कर में एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जो मिनरल्स स्ट्रेटेजिक है, जो जरूरी है बहुत ज्यादा हमारे लिए, जैसे आयरन क्या है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि आगे हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हम अगर पूरा आयरन और एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कमी पड़ जाएगी ना आयरन की, तो मतलब खैर आयरन तो हमारे पास अबेंडेंस में है, लेकिन दूसरे जो स्ट्रेटेजिक और स्कार्स मिनरल्स है ना, तो उनका एक्सपोर्ट रोका जाए ताकि क्या हो, ताकि उसको लॉन्गर पीरियड तक हम अपने देश में इस्तेमाल कर सके। जैसे क्रूड ऑयल, तो बहुत सारे देश अब धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अपने देश के लिए सोचना होगा, ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए। तो वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान रखना होगा आपको। तो आई होप आपको यह समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो होता है, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, समझिए, स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से सेशंस होते हैं, क्या एंगेजमेंट होता है, प्लस क्लास कैसे होती है, उसका एक आपको सैंपल मिल जाएगा। दीज स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जब भी कोई भी स्पेशल क्लास होगी तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू स्टे कनेक्टेड, आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पे अपडेट मिल जाएंगी, किस मुद्दे पे स्पेशल क्लास होगी वो भी आपको मिल जाया करेगा टॉपिक, अगर कोई स्पेशल क्लास होगी तो यू पीपल गेट विल गेट द अपडेट। उसके अलावा अगर जैसे आगे बढ़े तो अनअकैडमी प्लस पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, दो सब्सक्रिप्शन जो होते हैं, एक प्लस होता है और एक आइकॉनिक होता है। मैं दोनों ही सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ आपको। प्लस जो होता है तो वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होती है, ये सारे फीचर्स आपको प्लस पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे अगर आप अनअकैडमी आइकॉनिक की बात करेंगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होता है वहाँ पे 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो ये और पर्सनलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग है जहाँ पे आपको और 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है, ठीक है, आपको सारा मटेरियल मिल जाता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 12 मंथ के लिए, जैसे अगर आप देखें क्लासेस 9-to-12 की अगर हम बात करें तो 1653 रुपीज में पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। बट यहां पर एक निंजा टेक्निक मैं आपको बताता हूं, इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि नॉर्मली जैसे आप देखोगे तो 1653 का सब्सक्रिप्शन आपको 1488 में पड़ता है, और सिमिलरली फॉर आइकॉनिक ऑल्सो इफ जो पर मंथ 12 मंथ के हिसाब से कॉस्टिंग है वो 3086 है, बट इफ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट इट फॉर 2777 पर क्या है, ठीक है, इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो इन दिस टाइम पीरियड दिस इज समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू पीपल। तो नॉर्मली जो 10% डिस्काउंट रहता है वो 20% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द ओकेशन ऑफ अनलॉक 20। अनलॉक 20 वंस इन अ ब्लू मून टाइप की चीज होती है जहां पे सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट सेविंग्स जो आपकी 20% हो जाती है, 20% सेविंग्स हो जाती है, और ये जो मेगा एक्सटेंशन है ऑफर का, ठीक है, ऑन योर पॉपुलर डिमांड दिस ऑफर इज एक्सटेंडेड, मतलब ये जो ऑफर एक्सटेंड हुआ है तो 29 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ है, और इस पे 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है। 6 महीने का एक्सटेंशन मतलब क्या, 20 मेगा एक्सटेंशन फॉर ऑफर एट 20% डिस्काउंटेड प्राइस, गेट अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन सिलेक्टेड सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। क्लियर हो रहा है? तो 20% डिस्काउंट, 6 मंथ एक्सटेंशन, बहुत सारे बेनिफिट्स, ठीक है, टिल जुलाई 29। फाइन, ये वाला पार्ट था। मैं अनअकैडमी प्लस पर क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूँ, तो क्लास 9th की जो क्लासेस रहती है मंडे से थर्सडे रहती है, जुलाई में जैसे मंडे से थर्सडे रही, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस रहती है,
क्लियर, 845 से रहती है क्लास, 10th की जो क्लासेस रहती है वो 7 से 8 रहती है, क्लास 11 12th की कोई क्लासेस मेरी अनअकैडमी प्लस पर नहीं रहती है। तो दिस इज माय शेड्यूल ऑन अनअकैडमी प्लस, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा तो यू कैन रिपोर्ट इट अंडर बक्स बाउंटी प्रोग्राम एंड विन एक्साइटिंग प्राइसेस। तो दिस वॉज दी होल स्टोरी, चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, और इसी तरह से जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, एंजॉय द एक्सपीरियंस, ठीक है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।